हाई एवरी वन लेट स्टार्ट विद रिटर्न अंडर जी एस टी जिसमें मेजरली मुझे डिस्कस करना है क्यू आर एम पी स्कीम जो रिसेंट अमेंडमेंट है और ऑब्वियसली हमारे दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें सेवन क्वेश्चन क्यू आ एम पी स्ीम्स के बारे में होंगे कुछ क्वेश्चन में मैं क्यू आर एम पी के बारे में डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली क्या होती है जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो उसके ऊपर बन सकते हैं मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है जो क्यू आर एम पी स्कीम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए स्कीम तो क्वेश्चन नंबर वन से लेकर सेवन तक आई एल डिस्कस अबाउट क्यू आर एम पी के बारे में क्यू आर एम पी क्या होता है आई एफ एफ इन वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज क्या होती है किस तरीके से आप लोग पेमेंट करते हैं बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर रिटर्न्स तो आपकी क्वार्टरली जाती है बट यू हैव टू मेक द पेमेंट मंथली तो किस तरीके से हम लोग पेमेंट करते हैं क्या हम अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट की इंप्लीकेशन होंगी या नहीं होंगी ऑल्दो इंटरेस्ट की इंप्लीकेशन पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा ट्रिकी पेपर आ जाएगा तभी वो लोग इंटरेस्ट वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं बट हम लोगों का काम है कि आपको बहुत अच्छे से तैयार करना तो आई डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन ऑल्सो बट मुझे लगता है कि इंटरेस्ट के बारे में पूछना नहीं चाहिए स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स से फाइनल में अगर आप में होते तो मैं बोल देता कि हाँ इंटरेस्ट के बारे में भी अच्छे से पढ़िए बट हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी तो सेवन क्वेश्चन तक तो क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर एट मैं बातें करूंगा नल रिटर्न की अगर क्या हमें नल रिटर्न भी फाइल करना ज़रूरी है या नहीं है उससे रिलेटेड बातें हैं ऑप्शंस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न्स के बारे में क्वेश्चन नंबर नाइन में डिस्कस करेंगे टेन में डिस्कस करेंगे कि हमें जब जी एस जो हमारी आउटवर्ड स्टेटमेंट होती है जितनी हमने आउटवर्ड सप्लाई करी उसकी स्टेटमेंट तो हमें उसमें कौन कौन सी डिटेल्स और कितने लेवल पर डिटेल्स देनी चाहिए इन्वायसिंग की डिटेल्स क्या हमें हर इन्वायॉइस के बारे में बताना चाहिए या कंसोलिडेटेड लेवल पर बातें करेंगे तो क्वेश्चन नंबर टेन में वो डिस्कस होगा क्वेश्चन नंबर 11 में फर्निशिंग रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिना टैक्स का पेमेंट करें उसके बारे में क्वेश्चन नंबर इलेवन बातें करेगा ट्वेल्व में फाइनल रिटर्न से रिलेटेड बातें होंगी लेट फीस वगैरह कब फाइल करनी होती है फाइनल रिटर्न थर्टीन में बातें करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग जी एस ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे थे अपनी जीएसटी आर वन फाइल कर रहे थे और अपनी थ्री भी फाइल नहीं कर रहे थे वो पेंडिंग चल रही थी तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है लॉ ने कि जी एस टी आर वन या आई एफ एफ फर्निश करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पुरानी रिटर्न फाइल हैं या नहीं है फोर्टीन क्वेश्चन में जी एस टी आर वन इज फाइल्ड आफ्टर द टेक्स पीरियड एक्सेप्शन जनरली हम लोग जानते हैं कि जब भी टेक्स पीरियड खत्म होता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी क्वार्टर की रिटर्न है तो जब वो क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद ही हम रिटर्न फाइल करते हैं या फिर अगर मंथली रिटर्न है तो जब वो मंथ एंड हो जाता है उसके बाद हमें रिटर्न फाइल करनी होती है बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं अगर वो क्वार्टर या मंथ अभी एंड भी नहीं हुआ है कभी कभी कुछ किसी किसी केस में हम लोगों को रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है तो उसके एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में और एक एवरग्रीन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर अक्सर पूछता रहता है इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता भी होगा जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के बारे में एलिजिबिलिटी वगैरह की क्या एलिजिबिलिटी है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की कौन कौन लोग बन सकते हैं उसके बारे में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में बातें होंगी तो मेनली मैंने वन से लेकर सेवन तक मेजरली अमेंडमेंट्स के बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और बाद में जो हमारे दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर के अंडर ठीक है शुरू करें चलिए क्वेश्चन नंबर वन वट इज़ क्यू आर एम पी स्कीम ठीक है क्यू आर एम पी स्कीम क्या है आप लोग हम जानते हैं कि जो लोग ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक फैसिलिटी आई है ठीक है सब लोग समझते हैं ना क्यू आर एम पी इसके बारे में सबने पढ़ा होगा मैं जल्दी से बस एक बार रिवाइज भी करा करा देता हूँ तो जो स्मॉल टेक्स पेयर थे जिनका लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्न ओवर फाइव करोड़ फाइव करोड़ की बात याद रखिएगा जिस जिनका एग्रीगेट टर्न ओवर फाइव करोड़ से ज़्यादा का नहीं था वो लोग क्यू आर एम पी स्कीम में आ सकते हैं इनके लिए क्या करना पड़ेगा क्यू आर क्वार्टरली रिटर्न अब इनको अपनी रिटर्न मंथली फर्निश नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हर महीने रिटर्न जाती है ठीक है हर महीने कंप्लायसेज हमें करने पड़ते हैं तो इनकम टैक्स में तो एक ही बार रिटर्न जाती है ठीक है हम लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम के लिए भी uh, साल में एक बार कर दी है क्वार्टरली पेमेंट कर दिया उनके लिए तो बाकी जो नॉर्मल टैक्सपेयर थे जो इतने बड़े ऐसे सी नहीं है पाँच करोड़ तक का टर्न अगर है इनका तो इनके लिए भी कर दिया क्वार्टरली रिटर्न कि आपको अपनी रिटर्न तो क्वार्टरली सबमिट करनी पड़ेगी बट आपका जो टैक्स है वो आपको मंथली पे करना पड़ेगा सिर्फ आप टैक्स मंथली पे कर दीजिए तो पेमेंट करने के लिए भी दो ऑप्शन हमें मिलते हैं ठीक है जो हम आप आगे बातें करेंगे फिक्स्ड एक अमाउंट है आप उतना पे कर दीजिए या फिर जितना आप असेस करेंगे उतना कर दीजिए उसकी बातें भी मैं क्वेश्चन नंबर टू या थ्री में कर लूंगा तो क्यू आर एम पी स्कीम सबसे पहले एलिजिबिलिटी याद कर लीजिए फाइव करोड़ से ज्यादा का आपका टर्न ओवर नहीं होना चाहिए ठीक है प्रिसीडिंग ईयर का तो आप इस स्कीम में आ सकते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर एलिजिबल फॉर क्यू आर एम पी स्कीम दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद कर लीजिएगा ये स्कीम ऑप्शनल है ठीक है ऐसा नहीं है कि अगर आप मंथली फाइल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं दिस इज एंटायरली ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन कि अगर वो चाहे तो मंथली आ सक ले सकता है अगर वो चाहे तो क्वार्टरली ले सकता है हाँ अगर उसने क्वार्टरली ऑप्ट करा है मान लेते हैं ठीक है अगर उसने क्वार्टरली ऑप्ट करा है तो फिर हम आगे के पीरियड्स के भी क्वार्टरली रखेंगे अगर आपको चेंज करना है आगे के पीरियड में तो आप कर सकते हैं तो फ्लेक्सीबल है यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स एन ऑप्शनल स्कीम कब स्टार्ट हुई थी ये जनवरी 2021 से यानी कि इसी साल से 2021 से ये स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2020 तक तो मंथली रिटर्न थी लोगों के लिए नॉर्मली बट जनवरी 2021 से ये ऑप्शन आ गया है ठीक है अब हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारी जी एस टी आर वन है और थ्री भी है दोनों हम लोग क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं दोनों ही हम लोग जी एस टी आर वन क्या होता है हमारी रिटर्न होती है इनफैक्ट ये स्टेटमेंट होती है फॉर आउटवर्ड सप्लाई जितनी हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उसकी हमें डिटेल्स देनी पड़ती है तो यू अंडरस्टैंड जी एस टी आर वन में वो जाती है तो इसके लिए भी बोल दिया गया ठीक है जी एस टी आर वन के लिए भी बोल दिया गया जो पहले मंथली होती थी अब ये अगर आप क्यू आर एम पी स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो इसको भी आप क्वार्टरली फर्निश करिएगा यानी कि आप अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई है तो वो भी आप क्वार्टरली बता दीजिए कैसे बताइए जैसे कि जनवरी ट्वेंटी वन से स्कीम आ गई तो फॉर एग्जांपल हम तभी से चूज करना चाहते हैं कि ठीक है इस क्वार्टर से हम लोग चूज कर रहे हैं तो यू अंडरस्टैंड कि जीएसटी में फिक्स क्वार्टर्स होते हैं ठीक है जनवरी फेबर मार्च है अप्रैल में जून ठीक है जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर ये फिक्स क्वार्टर्स होते हैं जीएसटी में हमेशा तो इनकेस अगर हम जनवरी फेबर और मार्च में जितनी भी हमने सप्लाई की है आउटवर्ड सप्लाई की अगर हमने क्यू स्कीम ऑप्ट कर ली है तो अगर हम चाहें तो अपनी जीएसटी आर को जीएसटी आर को हमें क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा ऑप्शनल है क्यू आर स्कीम में आई है या नहीं आई है तो जनवरी फेबररी मार्च में जितनी भी आपने सप्लाई की है जितनी भी आपने सप्लाई की है उसकी रिटर्न आप अप्रैल में जब क्वार्टर खत्म होगा नेक्स्ट जब मंथ शुरू होगा तब तो आप फाइल कीजिए कौन सी डेट बताई गई इनके लिए थर्टींथ ये भी याद कर लीजिएगा थर्टींथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ ठीक है एंड होगा उसके बाद थर्टींथ तारीख तक आपको ये रिटर्न फाइल कर देनी है जीएसटी आर वन ठीक है यानी कि जनवरी फेबररी मार्च मान लेते हैं मार्च ट्वेंटी वन एंड हुआ तो जब मार्च ट्वेंटी वन एंड हुआ तो थर्टींथ अप्रैल तक आप अपनी ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक आप अपनी जीएसटी आर वन फाइल कर दीजिए जैसे कि मान लेते हैं नेक्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मे जून कब आएगा बताइए ऑफ जुलाई तक दो बातें अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस की हैं एक तो जिनका किसके लिए एलिजिबल है कि अगर आपका टोटल एग्रीगेट एग्रीगेटर पांच करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो यू आर एलिजिबल दूसरी बात जीएसटीआर आर वन की डेट मैंने थर्टींथ बताई है इनके लिए और जीएसटीआर थ्री भी क्वार्टरली होगा जीएसटीआर थ्री भी कब जाता है जनरली हम लोग जानते हैं कि जीएसटीआर आर थ्री बी की डेट होती है बीस तारीख ठीक है बीस तारीख होती है नेक्स्ट जब भी टेक्स पीरियड खत्म होता है जो भी नेक्स्ट मंथ शुरू होता है उसकी बीस तारीख होती है बट इन लोगों के लिए जो क्यू आर एम पी स्कीम में आते हैं इन लोगों के लिए दो डेट्स है एक तो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट मंथ आएगा ठीक है जब भी ये क्वार्टर एंड होगा या फिर ट्वेंटी फोर्थ भी डेट है तो दो डेट्स है इनके लिए कुछ स्टेट्स के लिए अब ये स्टेट्स याद करने की जरूरत नहीं है किसके लिए ट्वेंटी टू है किसके लिए ट्वेंटी फोर है ठीक है नॉर्मली कुछ स्टेट्स के लिए ट्वेंटी टू रखा गया है कुछ स्टेट्स के लिए ट्वेंटी फोर रखा गया है तो आप बाईस तारीख या चौबीस तारीख तक जैसे कि अगर कोई क्वार्टर है जनवरी फेबर और मार्च का तो आपको इसकी जीएसटी आर पहले फाइल कीजिए ठीक है फाइल करनी है कब तक थर्टींथ अप्रैल तक और मान लेते हैं कि आप दिल्ली में या यूपी वगैरह में रहते हैं, तो वहां पे 24 तारीख है तो जीएसटी आर थ्री भी आप फाइल कर दीजिए ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल तक सब लोग समझ गए ठीक है मैं लिखवा दू इसको इस तरीके समझ लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा सो देर इज अ पर्सन मिस्टर ए एंड इन्होंने कहा कि सर मेरे लास्ट ईयर का टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा का नहीं है मैं क्यू तो ओके आप पी स्कीम में आ जाते हैं अब क्या होगा कि इनकी क्वार्टरली रिटर्न्स जाया जीएसटी जीएसटीआर वन आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट भी क्वार्टरली और रिटर्न भी जीएसटीआर आर थ्री भी क्वार्टरली जाएगी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि लेट से कोई क्वार्टर है अप्रैल मे जून ट्वेंटी वन का कोई क्वार्टर है इसके लिए इनकी जी एस टी आर वन जो कि एक इनकी आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट होती है सब लोग समझते हैं आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट जी एस टी आर वन इसको भी क्वार्टरली अब इनकी जाएगी डेट बताइए जल्दी से अभी मैंने डिस्कस किया था ऑफ नेक्स्ट मंथ जैसे क्वार्टर एंड होता है उसकी थर्टीन 13, 13th ऑफ जुलाई और इनकी जो रिटर्न है जी एस टी आर थ्री बी जो इनकी रिटर्न है दिस इज रिटर्न इसको भी क्वार्टरली फाइल करेंगे ठीक है डिपेंड करता है किस स्टेट में है ट्वेंटी सेकेंड को या फिर ट्वेंटी फोर्थ तक ऑफ जुलाई ठीक है आपको स्टेट से याद नहीं करनी किसके लिए ट्वेंटी सेकेंड है किसके लिए ट्वेंटी फोर्थ है यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि जीएसटी या थ्री बी की जाती है ट्वेंटी सेकेंड या ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई को डिपेंडिंग पर ये रजिस्टर्ड है ठीक है अब यहां पर ना एक मेजर प्रॉब्लम आई इस वजह से जीएसटीआर आर वन जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल होने लगी है यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी क्यू आर एम पी वाले लोगों को वो प्रॉब्लम क्या जा रहा उसको समझते हैं और इसका सॉल्यूशन भी ना जब क्यू आर एम पी स्कीम इंट्रोड्यूस हुई इसका सॉल्यूशन भी तभी दे दिया गया बट वो प्रॉब्लम समझते हैं, हो, होती क्या होगी अब मान लेते हैं कि यहां पर ये मिस्टर ए है मैं दोबारा से एक बार यहां पर बना देता हूं ये मिस्टर ए थे एंड ही इज अंडर क्यू आर एम पी स्कीम क्वार्टरली अपनी जी एस फाइल करेंगे यानी कि अप्रैल मई, जून के लिए इनकी जी एस मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ये आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट है इट्स एन आउटवर्ड सप्लाई यानी कि इन्होंने इस क्वार्टर में जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई की होगी उसकी इंफॉर्मेशन ये जी डिपार्टमेंट को क्वार्टर एंड होने के बाद देंगे थर्टींथ ऑफ लेट से यहाँ पर 13th ऑफ जुलाई को जाकर ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सब लोग समझ में आता है दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये क्योंकि जो मैं मुझे आपके साथ ना करना है तो उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा कि क्या थी और उसका क्या आया। तो जितनी भी Mr. A. ने सप्लाई की होगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन मंथ ऑफ मे इन द मंथ ऑफ जून क्योंकि अब इसकी स्टेटमेंट ये फाइल कर रहे हैं इस क्वार्टर एंड होने के बाद क्वार्टर के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चलेगा अब होगा क्या मिस्टर ए ने जिस जिस लोगों को सप्लाई की होगी अब इसमें से कौन है जैसे कि मैं और डिटेल में चला जाता हूं लेट से बहुत अलग अलग लोगों को सप्लाई किया उसमें से कुछ डायरेक्ट कंज्यूमर थे और उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो रजिस्टर्ड थे जीएसटी में रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी यानी कि ये लोग का खुद का बिजनेस था यू एग्री ठीक है ना मिस्टर ए ने के कस्टमर्स हैं ये सब कस्टमर्स हैं तो मिस्टर ए के कस्टमर्स कुछ कंज्यूमर्स थे मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंज्यूमर था मिस्टर बी मिस्टर सी ये लोग डायरेक्ट कंज्यूमर थे इनको कोई आईटीसी वगैरह से लेना देना नहीं है बट कुछ रजिस्टर्ड पर्सन थे मान लेते हैं कि मिस्टर डी था कोई या मिस्टर ई e. था कोई जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए परचेजेस करी थी मिस्टर ए से अच्छा पहले मुझे बताइए ऐसी आउटवर्ड सप्लाई को क्या बोलते हैं ये मिस्टर ए का बिजनेस है और ये डायरेक्टली जब कंज्यूमर को देते हैं वी कॉल इट बी टू सी सप्लाई हम इसको बी टू सी बोलते हैं ना बिजनेस टू कंज्यूमर और सेकेंड टाइप ऑफ सप्लाई जब मिस्टर ए किसी दूसरे बिजनेस को करते हैं ठीक है जो लोग रजिस्टर्ड है इसको क्या बोलते हैं बी टू बी सप्लाई दिस इज बी टू बी सप्लाई आई होप ये दोनों दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाता है बी टू सी क्या होता है और बी टू बी क्या होता है बी टू सी इज बिजनेस टू कंज्यूमर और बी टू बी इज डायरेक्ट आप बिजनेस हैं और आप दूसरे बिजनेस को सेल कर रहे हैं आप उनको आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं। अब क्या होगा? अब मुझे इन दोनों टाइप ऑफ कस्टमर्स बी टू बी तो किस लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी सर कंज्यूमर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिस्टर मंथली फाइल करें अपनी जीएसटी आर वन क्वार्टरली फाइल करें ना करें इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज दे डोंट रिक्वायर आईटीसी इनको कोई आईटीसी की जरूरत नहीं होती ठीक है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि बी टू सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यहां पर बी टू बी को प्रॉब्लम है बिकॉज इन लोगों को आई टी सी चाहिए ठीक है आई टी सी चाहिए बट आप बोलेंगे सर आई टी सी मिल तो जाएगा जब जी एस टी आर वन यहाँ पर फाइल करेंगे ये तो इनको आई टी सी मिल जाएगा बट वो क्वार्टर एंड होने के बाद मिलेगा यानी कि इमेजिन कीजिए यहां पर मिस्टर डी हैं इमेजिन डी हैं इन्होंने कोई भी परचेज की है मिस्टर ए से लेट से अप्रैल में अप्रैल में कोई परचेज की है और उसका आईटीसी मान लेते हैं वो दस लाख की थी उसके ऊपर आईटीसी 1.8 लाख का जीएसटी पे करके आए से तो उसको जो 1.8 लाख का आईटीसी है ना वो जाके इस क्वार्टर एंड होने के बाद दिखाई देगा मिस्टर डी को बट ये लोग क्या चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि हमें आई मिल जाए ऑन मंथली बेसिस कि मंथली बेसिस पर अपना आई जाते हैं बिकॉज इनको तो मंथली पेमेंट करनी होती है ना जीएसटी की ठीक है मिस्टर डी या मिस्टर ई e, ऐसे लोग हैं ये क्यू आर एम पी स्कीम लें या ना लें बट आपको पता है कि हमें टैक्स तो अपना मंथली पे करना है और टैक्स पे करने के लिए हमें आईटीसी टी की भी जरूरत होती है क्योंकि जितना भी मेरी आउटवर्ड लाइब्रेटी बनती है आई मेरा यूज़ हो जाता है और मैं नेट अमाउंट उसको आई टी सी सेट ऑफ करने के बाद पे करता हूँ तो ये चाहते हैं कि आई इनको मंथली बेसिस पर मिल जाए बिकॉज दे हैव टू मेक देयर जीएसटी पेमेंट मंथली बेसिस मंथली बेसिस पर इनको करना होता है मान लेते हैं मिस्टडी क्यू आर एम पी स्कीम ले तो भी मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा मान लेते हैं स्टडी नॉर्मल स्कीम में ही रहे इज नॉट ऑप्टिंग क्यू आर एम पी तो भी मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा मतलब कुल मिलाकर इन लोगों को ना मंथली अपना जी एस टी का पेमेंट करना पड़ता है तो ये चाहते हैं कि मेरे पास मंथली आई टी सी आता रहे बट क्यू आर एम पी से क्या होगा जीएसटी आर वन क्योंकि हम क्वार्टरली फाइल कर रहा है इनका इन्होंने जिससे परचेस करी मिस्टर ए जो क्यू आर एम पी स्कीम में आते हैं वो अपनी क्वार्टर एंड होने के बाद सप्लाई दिखाता है तो इन लोगों को मंथली आई डी सी नहीं मिल पाएगा तो इसका सॉल्यूशन जब क्यू आर एम पी आया उसी के साथ इन, इसका सॉल्यूशन आया आई एफ एफ इन वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मैं एक बार दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इनको और क्या प्रॉब्लम हो रही है वरना तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहां पर ये मिस्टर ए थे मैं वही बातें लिख रहा हूं दोबारा से ये क्यू आर एम पी स्कीम में इन्होंने ऑप्ट करा तो लेट से इनका कोई क्वार्टर था अप्रैल मई और जून का जिसकी ये अपनी जी एस टी आर वन जो कि आउटवर्ड सप्लाई के बारे में स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाई के बारे में स्टेटमेंट है वो जाकर जुलाई में ठीक है कौन सा जुलाई को थर्टींथ ऑफ जुलाई को जीएसटी डिपार्टमेंट को फाइल करेंगे

जी एस टी एट रेट ऑफ लिट से रेट था वन पॉइंट एट लाख रुपीज का टोटल इन्होंने परचेजेस की इलेवन पॉइंट एट लाख की आर यू ऑल गेटिंग दिस ए ने सप्लाई किया डी ने खरीदा एंड डी इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी यानी कि डी इस माइंडसेट से बैठे हुए हैं कि मैंने अप्रैल में 10 लाख की प्लस 1.8 1.8 लाख लाख रुपीस का का जीएसटी पे करके आया हूं मिस्टर मिस्टर डी को और मुझे आईटीसी मिलेगा ठीक है इस माइंडसेट माइंडसेट uh, से बैठे हुए हैं इनको अपनी आउटवर्ड सप्लाई करते होंगे तो डी अपनी अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन डी की आउटवर्ड सप्लाई थी डी की आउटवर्ड सप्लाई थी और उसके ऊपर जो जीएसटी इनको पे करना जो इनकी लाइबिलिटी थी डी की इस समय डी को देखेगा डी की जो लाइबिलिटी थी लेट से टू लाख रुपीज की आ रही थी कि इनको टू लाख रुपीज का जीएसटी पे करना है और ये किस माइंडसेट से बैठे हुए थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अप्रैल में दो लाख का आई टी लाख का मुझे जीएसटी पे करना है और मैं अपना इनवर्ड जो मेरे पास आई आएगा वन लाख का जो मैंने मिस्टर ए से परचेज की हुई है यहाँ से तो 1.8 लाख का आई आएगा तो मुझे सिर्फ बीस हज़ार पे करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है जब अप्रैल के मंथ का जब मुझे लाइबिलिटी आएगी पे करने की अगले महीने मे में जब पे करूँगा तो बीस हज़ार पे करना है आई डोंट हैव टू पे टू लाख रुपीज़ बिकॉज दो लाख मेरा आउटवर्ड सप्लाई है इनका उसके ऊपर जी आया

जब मिस्टर ए ने इसको सप्लाई दिखाया नहीं तो डी के पास ये आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं होगा और अगर ये आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो डी को पूरा का पूरा दो लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी आर यू ऑल गेटिंग दिस क्योंकि इनकी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी बन रहा था वो टू लाख रुपीज बन रहा था मैं दोबारा से लिख रहा हूं और ये सोच रहे थे कि मुझे वन लाख का आई मिलेगा ठीक है अप्रैल के मंथ का बट अप्रैल के मंथ में के बाद ये शो ही नहीं हुआ मई जून में भी शो नहीं हुआ जुलाई में जाकर ये शो होगा क्योंकि इन इनका जो सप्लायर है मिस्टर रे वो क्यू स्कीम में आता है यानी कि इनको अप्रैल वाले के लिए अप्रैल के मंथ के लिए निल आई दिखाई देगा और इनको दो लाख का अमाउंट पे करना पड़ेगा मतलब प्रैक्टिकली आप लोग सोचिए जहाँ पर आपके दिमाग में आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे सिर्फ बीस का पेमेंट करना है और आपको दो लाख का पेमेंट करना पड़े तो कैसा लगेगा सर लगेगा तो छोड़िए पैसे ही नहीं होंगे तो कैसा कैसे कर पाएंगे ठीक है पैसे ही नहीं होंगे फॉर एग्जाम्पल दो लाख ट्वेंटी थाउजेंड का एकदम मैं टेन टाइम्स बोल रहा हूँ दो लाख रुपए ठीक है इतनी वर्किंग कैपिटल हर बिजनेस के पास शायद नहीं होती ठीक है अगर मैं इसको दो करोड़ कर लूँ तो और ज्यादा फिर हो जाएगा अमाउंट तो यहां पर ये एक प्रॉब्लम आती क्यू आर एम पी स्कीम में यानी कि बी टू सी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ठीक है बी टू सी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज कंज्यूमर को तो कोई आई टी सी से मतलब नहीं है बट बी टू बी में ये प्रॉब्लम है क्यू आर एम पी स्कीम में कि यहां पर जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है जो चीजें खरीद रहा है हमसे उसको मंथली बेसिस पर आईडी सी चाहिए था तो जीएसटी लॉ मेकर्स ने बहुत अच्छा काम किया जब क्यू आर एम पी स्कीम लेकर आए तो इसका भी सोल्यूशन साथ में दिया इसका भी सोल्यूशन साथ में दिया और उस सोल्यूशन का नाम है आई एफ एफ आई एफ एफ जानते होंगे आप लोग इसको पूरा नाम क्या कहते हैं इसको इनवॉइस वॉयस फर्निशिंग फैसिलिटी ठीक है अब क्या आया आई में क्या आया आई भी ना एक तरीके से हमारी आउटवर्ड सप्लाई के बारे में हम लोग अब जीएसटी डिपार्टमेंट को बताते रहेंगे ऑन मंथली बेसिस ठीक है ये भी एक आउटवर्ड मतलब ये समझ लीजिए जीएसटी आर वन का जीएसटी आर वन का छोटा भाई है आई और ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम काम करता है जो जीएसटी आर वन करता अब आई करेगा वो भी मंथली बेसिस पर और आई

और ये याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है की इसलिए आई जिससे कि सामने वाला ले सके। तो IFF में हम लोग सिर्फ जो हमारे B2B invoices है ना उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं B2C की information नहीं देते। जो बी टू सी की इंफॉर्मेशन हमें देनी है वो GSTR1 में हो, खत्म होने के बाद ही देंगे ठीक है बट मंथली बेसिस पर हम आई एफ एफ करेंगे अब क्या होगा ये जो मिस्टर ठीक है यहां पर मिस्टर ठीक है, लेट से मेरा क्वार्टर है अप्रैल, मैंने एग्जाम्पल लिया सिर्फ इस क्वार्टर का अप्रैल, मे और जून एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये अपनी आउटवर्ड सप्लाई बताते हैं जी एस टी आर वन में कब बताते हैं थर्टींथ जुलाई को ये तो आप बताएंगे बताएंगे बताएंगे, जुलाई को तो आप बताएंगे, बट हम क्या बोल रहे हैं क्योंकि आप मिस्टर आपके, आपके तो हमारा मंथली बेसिस पर आई रिफ्लेक्ट होता रहे शो होता रहे जिससे कि मैं आई की फैसिलिटी ले सकू जिससे कि मिस्टर डी यहाँ पर वन लाख की फैसिलिटी ले सके इनको क्या बोला जाएगा मिस्टर ए जो भी आपने अप्रैल में सप्लाई की होगी अप्रैल में सप्लाई की होगी उसके इन्वॉय जो बी टू बी वाले होंगे बी टू सी वाले नहीं सिर्फ बी टू बी वाले ठीक है बिजनेस टू बिजनेस वाले उसकी आप इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को दे देना ठीक है उसकी इंफॉर्मेशन दे देना बस उतने इन्वॉयजेस अपलोड कर देना जिसने आपने बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई की है बिजनेस टू कंज्यूमर करने की जरूरत नहीं है सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस कर देना अप्रैल में यानी कि मंथ में आपको एक काम करना पड़ेगा और यह भी ऑप्शनल है अगर आप करना चाहे तो करें अगर आप नहीं करना चाहे तो ना करें तो मिस्टर ए के लिए ऑप्शन दे दिया गया आप करना चाहते हैं तो जनरली जो बी टू सी अगर मान लेते हैं कि मेरा एक क्लाइंट है जिसकी पूरी की पूरी सप्लाई बी टू सी है अगर उसको सारी की सारी सप्लाई बी टू सी ही करता है तो उसके कंज्यूमर को तो कोई आई टी सी नहीं चाहिए वो तो आई एफ एफ लेगा ही नहीं ठीक है ही डजेंट रिक्वायर आई एफ एफ क्योंकि उसके कस्टमर जो है उनको आई टी सी की कोई जरूरत नहीं, नहीं उससे कोई लेना देना ही नहीं है बट अगर मान लेते हैं कि मिस्टर ए का मेजरली जो क्लाइंट्स हैं वो बिजनेस टू बिजनेस हैं business business हैं ठीक है बिजनेस बिजनेस टू सप्लाई करते तो वो लोग बोल रहे होंगे सर हमें तो अपना आईटीसी हर मंथ शो होना चाहिए हमारे पास ठीक है इसलिए उनके लिए मिस्टर ए को ये आईएफएफ की फैसिलिटी ले लेनी चाहिए ठीक है ले लेनी चाहिए इट्स बट इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल ये याद कर लीजिए आई ऑप्शनल है अब क्या होगा अप्रैल के मंथ में इन्होंने जितनी भी बी2बी सप्लाई की होगी जितनी भी बी2बी सप्लाई करी होगी यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30th अप्रैल के बीच में जितनी भी बी2बी सप्लाई करी होगी इसकी डिटेल्स ये आईएफएफ में शो कर देंगे ठीक है ये आईएफएफ में शो कर देंगे कब तक करेंगे अप्रैल के मंथ की डिटेल मई के मंथ में कर देंगे 1st मई से लेकर 1st मई से लेकर 13th ऑफ मई तक इनको टाइम दिया जाता है कि आप 13th मतलब आप 13 याद कर लीजिए बट मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं तारीख से लेकर थर्टीन तारीख तक ये इसकी डिटेल्स फर्निश कर सकते हैं अब इससे क्या फायदा होगा क्योंकि जिनो, जितनी भी इन्होंने अप्रैल के मंथ में सप्लाई की है अगर इन्होंने मंथली शो कर दिया तो ये मिस्टर डी जो, जो ये रजिस्टर्ड पर्सन थे इनके यहां पर आई टीसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इनके यहां पर आई टीसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अब इनको जैसे कि फॉर इनकी आउटवर्ड सप्लाई लाख लाख है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सिर्फ इनको ट्वेंटी थाउजेंड ही पे करने की जरूरत रहेगी पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि इनको आई टीसी नहीं मिलेगा इनको आई टी सी मिल जाएगा तो आई एफ एफ से फायदा क्या होता है बी टू बी जो हमारे जो क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बिजनेस हैं उनको आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाता है उनके यहां पर तो अप्रैल के मंथ का फर्स्ट मे से लेकर के बीच में आईएफएफ कर देंगे जितनी भी इन्होंने मे के मंथ में सप्लाई की होगी यानी कि अप्रैल तो फर्स्ट मंथ था सेकेंड मंथ था मे जितनी भी मे के मंथ में इन्होंने सप्लाई की होगी उसके लिए भी आई एफ एफ चूज करेंगे ऑप्शनल है आप मे के मंथ में भी आई एफ एफ फर्निश करिए और आई एफ एफ में क्या दिखाइएगा जितनी भी आपकी बी टू बी सप्लाई थी वो दिखाइएगा कब दिखाइएगा मे के मंथ के बाद कब शुरू होगा फर्स्ट जून से लेकर थर्टींथ जून के बीच में आप अपनी आई में ये शो कर दीजिए जितने भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की है बी टू सी या बी टू बी ओनली बी टू बी ओनली बी टू बी ठीक है अब जून में क्या होगा अब प्लीज बताइए जून में अब प्लीज मुझे बताइए क्या जून में जितनी भी हमने सप्लाई की है क्या उसके लिए हम आई एफ एफ यूज करें या डायरेक्टली अब तो जीएसटी आर वन आ जाएगा सर अब तो जीएसटी आर वन आ जाएगा यहां पर हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है अब हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है तो यहां पर आपको आई फाइल करने की जरूरत नहीं है लास्ट में लास्ट में तो आपको पता है कि आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए मेन हमारे पास स्टेटमेंट है GSTR1. ये तो हम फाइल कर देंगे ठीक है तो यानी कि आई एफ एफ सिर्फ शुरू के दो महीने में यूज हो सकता है थर्ड मंथ में तो जरूरत ही नहीं है थर्ड मंथ में तो हमारे पास बड़ा भाई ही है उसका आई एफ एफ का बड़ा भाई कौन है जीएसटी आर वन जीएसटी आर वन में तो आप अपनी सारी की सारी सप्लाई शो कर सकते हैं ठीक है कौन सी करिएगा जो जून के मंथ की होगी वो भी जीएसटीआर एस वन में शो करिएगा जो शुरू की बी टू सी होंगी बिकॉज अप्रैल के मंथ में या मई के मंथ में आपने बी टू सी तो दिखाई नहीं होंगी उसको भी आप यहाँ पर जून में की जी एस वन में दिखा दीजिएगा तो जी एस वन में जितनी भी आपकी सप्लाई जो आप अप्रैल और मई के मंथ में नहीं दिखा पाए थे तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं यानी कि जी एस टी आर में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक तो जून का सारा डेटा आए आएगा और अप्रैल और मई के मंथ की जो आपकी सप्लाई थी जनरली बी टू सी वाली होगी वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं ठीक है इतनी बात समझ में आ गई तो यानी कि शुरू के दो मंथ्स के लिए आई चलता है वो भी ऑप्शनल होता है आपने अप्रैल में आई फर्निश करा जरूरी नहीं है कि आप मई में, में भी आपको आई लेना पड़ेगा ऑप्शनल है कंप्लीटली ऑप्शनल है आप अप्रैल में शो कीजिए हो सकता है बी मई के मंथ में आपने बी टू बी सप्लाई की ही ना हो या फिर की भी हो तो आप शो नहीं करना चाहते कंप्लीटली ऑप्शनल है बट हां अगर हमारे बी टू बी कस्टमर्स हैं तो हमें उनको शो कर देना चाहिए जिसके उनको पास आई टी सी मिलता रहे वरना वो आपको फ़ोन करके तंग करेंगे कि यार मैंने आपसे चीज़ें परचेस की थी और आपने इसको अपनी सप्लाई में शो नहीं करा मुझे तो आई टी सी चाहिए था मुझे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं ठीक है मुझे बाद में आई टी सी मिल जाएगा बट मुझे अभी तो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं ना पर प्लीज मुझे बताइए जिसको दो लाख रुपए देने पड़ जाएंगे फालतू में जहां पर उसको बीस हज़ार रुपए देने थे वो तो आपके ऊपर चिल्लाएगा ना तो हमेशा अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिएगा जो लोग क्यू आर एम बी स्कीम में आते हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि बॉस क्या आप बी टू सी सप्लाई करते हैं या बी टू बी करते हैं अगर वो कहता है कि मैं सिर्फ बी टू सी करता हूँ ओनली एक्सक्लूसिवली बी टू सॉरी बी टू सी करता हूँ अगर वो बी टू सी करता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर वो बी टू बी करता है अगर थोड़ी सी भी वो बी टू बी करता है ना तो उसको बोल दीजिए बॉस आप आई एफ एफ में वो रिटर्न वो इन्वाइज अपलोड करने शुरू कर दीजिए और फ़ायदा भी है क्यों क्योंकि अगर हमारे आई एफ एफ में ऑलरेडी यहाँ पर इन्वॉइस अपलोड हो गए हैं तो हमें वो दोबारा से यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन चली गई है ना तो आप ऐसा नहीं करेंगे कोई डुप्लीकेसी जी एस डिपार्टमेंट कहता है कोई डुप्लीकेसी नहीं है जो आपने इन्वाइज यहाँ पर फर्निश कर दी दि, कर दिए उसको ऑलरेडी वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है आपके आउटवर्ड सप्लाई की उसको आपको दोबारा से उसकी इन्वॉइस की डिटेल्स देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वो ऑलरेडी जी एस में ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं ठीक है तो हमारे एक तरीके से हमारा काम भी कम हो गया अब ऐसा नहीं है एक साथ हमारे पास वर्क लोड पड़ जाएगा हम पहले से ऑलरेडी कुछ इन्वॉइस पहले से दिखा चुके हैं तो बाकी के जितने बचे हैं वो हम अपनी जीएसटी में शो कर देंगे आई बिलीव ये भी समझ में आ गया ना तो आई एफ एफ फैसिलिटी क्या होती है हमारे जो बी टू बी वाले सप्लायर्स के रेसिपियंट हैं बिजनेस टू बिजनेस वाले जो हमने सप्लाई की है जो रेसिपियंट बिजनेस वाले जिनको आई टी सी मंथली बेसिस पे चाहिए था उनके लिए आई एफ एफ वरदान आ गया एक तरीके से एक और बात समझ लीजिएगा अप्रैल के मंथ में आप जितना भी आपने बी टू बी करा है वो आप दिखा दीजिएगा ठीक है मान लेते हैं कि टोटल इनवाइज का टोटल अगर 50 लाख से ऊपर आ जाएगा तो 50 लाख की लिमिट लगाई हुई है आई की ठीक है यानी कि अप्रैल के मंथ में मान लेते हैं मिस्टर ने बहुत अलग अलग लोगों को दिए थे अगर उसका टोटल पचास लाख से ज्यादा का नहीं है इनवाइज का टोटल पचास लाख से ज्यादा का नहीं है तो इट्स ओके okay. अगर पचास लाख से ज्यादा का है ना तो फिर वो आप इतने ही नहीं दिखा सकते ओनली लिमिट है आई की फिफ्टी लाख रूपीज की तो अप्रैल की लिमिट फिफ्टी लाख रहेगी सर अप्रैल में अगर मान लेते हैं सर अप्रैल के जो टोटल इन्वायसेज थे तो वो फिफ्टी फोर लाख के थे ठीक है हम फिफ्टी फोर लाख अपलोड नहीं कर पाएंगे सिर्फ फिफ्टी लाख तक की वैल्यू के इन्वायसेज अपलोड होंगे जो फोर लाख ,00 बच गए तो क्या करिए कोई बात नहीं मे में कर दीजिए ठीक है मान लेते सर मे के भी अपने पचास लाख ,00 हैं फिर क्या करेंगे कोई बात नहीं फिर तो जीएसटी आर में कर दीजिए यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट बोली गई है हर मंथ की अप्रैल के मंथ की फिफ्टी लाख मे के मंथ की फिफ्टी लाख रुपीज अप्रैल और मे तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए किसी भी क्वार्टर के जो फर्स्ट टू मंथ्स होते हैं तो फर्स्ट मंथ की अपनी लिमिट फिफ्टी लाख है सेकंड लिमिट सेकंड मंथ की अपनी लिमिट फिफ्टी लाख है ठीक है अगर आप अप्रैल में सारे इन्वॉयसेज अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई नेक्स्ट मंथ करिए ठीक है मान लेते हैं मे, में के मंथ में भी नहीं कर पाए या मे की अपने पचास लाख से ऊपर थे तो कोई बात नहीं जीएसटी आर में जितने भी बच गए ना आपके इनवाइेस जितने भी रिमेनिंग एनवॉइस हैं वो जीएसटी आर में शो कर दीजिएगा तो, तो आई बिलीव ये बातें समझ गए होंगे ना आई एफ एफ क्या होता है मुझे एक और बात बतानी है पेमेंट कैसे करते हैं क्योंकि क्यू आर एम पी पेमेंट कैसे करते हैं पर पहले मैं फटाफट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं फिर थर्ड क्वेश्चन में मैं पेमेंट के बारे में भी बातें करूंगा ठीक है तो क्यू आर एमएम पी स्कीम्स क्या होती है समझ गए होंगे पांच करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्न ओवर लास्ट ईयर का है तो आप क्यू आर एम पी नहीं ले सकते बट पांच करोड़ तक है तो आप क्यू आर एम पी स्कीम ले सकते हैं आपको रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी होती है जीएसटी आर वन थर्टीन तारीख तक जीएसटी आर थ्री बी के दो डेट्स हैं कुछ स्टेट्स के लिए ट्वेंटी सेकेंड है कुछ स्टेट्स के लिए ट्वेंटी फोर्थ है पेमेंट हमें हर मंथ करना पड़ेगा क्योंकि देखो नाम से समझ में आ रहा है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट पेमेंट हमें हर मंथ करना पड़ेगा दो मिनट के बाद समझा दूंगा कि पेमेंट कैसे करते हैं बहुत आसान है वो भी क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं आई एफ एफ क्या है सर समझ में आ गया आई एफ एफ क्या है जनरली ये बी टू सी के लिए मिलता है बी टू सी ठीक है नहीं सर बी टू बी के लिए मिलता है जो भी आपकी बी टू बी सप्लाई है हर मंथ की क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बिज़नेस हैं उनको आई टी सी हर मंथ चाहिए था ठीक है अगर आप क्वार्टरली अपनी जी एस टी आर वन करेंगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उनके पास इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं रहती है। वो हमें फ़ोन करके तंग करेंगे ये भी धमकी देंगे कि मैं आपसे परचेज नहीं करूंगा आप तो अपनी रिटर्न टाइम से नहीं दे रहे हैं मुझे आई शो नहीं हो रहा है मुझे मंथली पेमेंट करनी पड़ती है तो इसलिए आई की फैसिलिटी बहुत बढ़िया फैसिलिटी क्यू के साथ इन्होंने दी है लिखा है आई एफ एफ इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर क्यू आर एम पी स्कीम

सच आर बी बी टू च कैन बी इधर इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड ये बात समझते हैं इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड बहुत आसान बात है मान लेते हैं यहां पर मैंने कहा था ओके मिस्टर ए क्यू आर एम पी स्कीम में आते हैं बी टू सी को सप्लाई करते हैं बी टू सी कौन है बी और सी मिस्टर बी और मिस्टर सी ये तो कंज्यूमर है ठीक है इनको तो कोई टेंशन नहीं है बी और सी को तो कोई टेंशन नहीं है बट जब ये बी टू बी को देते हैं तो मान लेते हैं डी को देते हैं ठीक है डी को देते हैं तो आई एफ एफ यूज करेंगे अच्छा डी मान लेते हैं सेम स्टेट में ए और डी दोनों ही सेम स्टेट में तो दिस इज वॉट बी टू बी है बट इंट्रा स्टेट है सेम स्टेट है कोई बात नहीं सर आई एफ एफ अभी भी चाहिए ठीक है मान लेते हैं ई e, ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन था इसको भी आईटीसी चाहिए बट ई e दूसरी स्टेट में बैठा हुआ है ही सिटिंग इन डिफरेंट स्टेट तो ये कैसी सप्लाई है सर बी टू बी है बट कैसी है इंटर स्टेट है तो भी इसको आईएफएफ चाहिए तो साफ साफ बोला गया कि आईएफएफ में वेदर इट शुड बी बी टू बी चाहे वो सेम स्टेट में हो या फिर वो डिफरेंट स्टेट में हो आप इसको आई एफ एफ पर अपलोड कर दीजिएगा ठीक है तो लिखा हुआ था कि आ... इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट दोनों चलेंगे मैक्सिमम वैल्यू फिफ्टी लाख रुपीज रहेगी पर मंथ की जो टोटल आपके इन्वॉइस हैं जो भी आपने मंथ में जितने भी इन्वॉयसेज किए उसका सम टोटल अगर फिफ्टी लाख तक है तो अच्छी बात है फिफ्टी लाख से ज्यादा है तो कोई बात नहीं फिफ्टी लाख तक वाले इन्वायसेज आप शो कर दीजिए फिफ्टी लाख से एक्सेस जब हो जाए तब आप मत शो कीजिएगा या तो नेक्स्ट मंथ कर दीजिएगा या फिर जीएसटी आर तो है ही है ठीक है वो तो कवर कर ही लेगा कब करना है आई सर नेक्स्ट मंथ करना है फर्स्ट से लेकर थर्टीन के बीच में प्योरली ऑप्शनल है ठीक है आप चाहें तो ले लीजिएगा नहीं चाहे तो मत लीजिएगा ठीक है तो वहां पर हर बार जब हम हाँ अपनी रिटर्न मंथली अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर जाते हैं ना प्रैक्टिकली जब आप जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं तो अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर जाते हैं तो वो आपसे पूछता है वहां पर आई लिखा होता है और ब्रैकेट में लिखा होता तो है ऑप्शनल अब इस मंथ यूज करना चाहते हैं तो करें नहीं तो अपनी अपनी जीएसटी और में दिखा दीजिएगा बट जो लोग बी टू बी करते हैं उनको तो ये ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए अच्छा रहेगा फ द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट ऑप टू अपलोड इन वोजन आई एफ अगर वो आई एफ एफ अपलोड नहीं करता कोई बात नहीं भाई अपनी जीएसटी आर वन पे कर दीजिएगा बट बी टू बी वाले ना वो लोग चिल्लाएंगे अगर आपने नहीं करा आई एफ एफ तो ठीक है तो अगर आपने आई एफ एफ अपलोड नहीं करा तो अपने तीनों क्वार्टर uh, के जितने भी मंथ होते हैं, uh, इस क्वार्टर uh, में उसकी पूरा जीएसटी आर वन कर दीजिएगा ठीक है बात समझ में आ गई है चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं मैं मुझे क्यू स्कीम में थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि मेन रिटर्न्स के चैप्टर में ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट आई है ऑब्वियसली तो एग्जाम में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्यू स्कीम के बारे में क्वेश्चन आना चाहिए चलिए एक और बात पढ़ लेते हैं फिर तो क्यू स्कीम खत्म हो गई है पेमेंट कैसे होती है क्यू स्कीम में पेमेंट कैसे होती है चलिए बातें करते हैं आ, मैं लिख कर बता दूँ आपको पेमेंट अंडर क्यू आर एम पी क्यू आर एम पी एम पी को अलग लिख रहा हूं मंथली पेमेंट करनी है अब आपको अब यहां पर हमारे मिस्टर ए थे और इन्होंने कहा सर मैं तो क्यू आर एम पी स्कीम में आना चाहता हूं रिटर्न तो मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा बट मंथली पेमेंट करूंगा हमने कहा ठीक है तो लेट्स से ये अप्रैल का मंथ है मे और जून है इस क्वार्टर की पेमेंट मंथली month, करनी है अब हम लोगों को पता है कि अप्रैल की पेमेंट भी अब मंथली आपको करनी पड़ेगी मे की मंथ की पेमेंट करनी पड़ेगी जून की भी मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी हम लोग जानते हैं कि जनरली पेमेंट कब होती थी मतलब इससे पहले क्यू आर एम पी से पहले पेमेंट तब होती थी जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते थे जी एस टी आर थ्री बी जिस समय हमारी फाइल होती थी उस समय पेमेंट होती थी यानी कि मिस्टर ए अपनी थ्री बी तो फाइल करेंगे जी एस टी आर थ्री बी ही has टू फाइल ऑन ट्वेंटी सेकेंड या ट्वेंटी फोर्थ लेट से मैं डेली या यू में मार लेता हूँ जहाँ पर ट्वेंटी फोर्थ है बट मैंने आपसे कहा है कि आपको स्टेट से याद करने की ज़रूरत नहीं है बट ये याद कर लीजिएगा जी एस टी आर थ्री बी की जो हमारी ड्यू डेट है फॉर क्यू आर एम पी लोगों के लिए वो है ट्वेंटी सेकेंड या ट्वेंटी फोर्थ तो ट्वेंटी सेकेंड को या फिर ट्वेंटी फोर्थ को जिसे जून है ये तो फिर कब होगा ये ट्वेंटी सेकेंड या ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई यहाँ पर इनकी थ्री बी फाइल होगी तो अभी तक क्यू आर एम पी से हम लोग पहले क्या जानते थे जब कभी भी आपकी जी एस टी आर थ्री भी फाइल होनी है द डे वेन यू आर फाइलिंग योर जी एस टी आर थ्री भी उसी समय आपको पेमेंट करनी पड़ती है क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करते ना जी एस टी या थ्री भी फाइल ही नहीं हो सकती ठीक है पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर आप पोर्टल पर जाते हैं अगर आप अपनी जीएसटी या थ्री भी फाइल करते हैं तो उससे पहले वो पहले से बता देता है कि आपकी लाइब्रेरी कितनी बन रही है और फर्स्ट यू हैव टू

मई की पेमेंट ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून तक डिपॉजिट करा दीजिएगा अच्छा प्लीज़ मुझे बताइए सोच के बताइएगा लॉजिकली क्या जून की पेमेंट भी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई को होनी है मतलब ये तो पता चल गया कि नेक्स्ट मंथ होनी है बट क्या ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जैसे मैंने सर ये ट्वेंटी फिफ्थ क्या कहाँ से आया ये हमें क्यू आर एम पी में डेट दी गई है कि क्योंकि आपको मंथली पेमेंट करनी है तो आप हर मंथ की पेमेंट कर दीजिएगा पच्चीस तारीख तक तो अप्रैल की पेमेंट होगी नेक्स्ट मंथ पच्चीस मई तक मे की पेमेंट होगी नेक्स्ट मंथ ट्वेंटी फिफ्थ जून तक जून की पेमेंट क्या ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई को होगी द आंसर इज नो जून की पेमेंट होगी थ्री बी के साथ क्योंकि थर्ड मंथ में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्ड मंथ में तो जीएसटी या थ्री बी जा ही रही है ना थर्ड मंथ के लिए तो उसकी पेमेंट तो आप वहां पर कर दीजिएगा यानी कि जून की पेमेंट तो यहां पर होगी जब भी आपकी ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई को अगर आपकी जीएसटी या थ्री बी फाइल हो रही है या ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई को हो रही है एज द केस में भी ये दोनों पेमेंट हमें मंथली बेसिस पे करनी पड़ेगी जून की तो ऑटोमेटिकली मंथली बेसिस पर हो जाएगा बट उसके लिए डेट थ्री बी के साथ होगी अब मुझे बस मेन बात है करनी है अप्रैल और मई के लिए या फिर फिर जो हमारे शुरू के दो क्वार्टर्स के जो शुरू के दो मंथ्स होते हैं उसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे अब क्वेश्चन ये आया सर कितनी पेमेंट करनी है चलिए ये भी समझ में आता है कि अप्रैल की पेमेंट ट्वेंटी फिफ्थ मे को करनी है मे की पेमेंट ट्वेंटी फिफ्थ जून को करनी है अब क्वेश्चन ये आया कितनी पेमेंट करनी है तो यहां पर ना वी अगेन हैव टू ऑप्शन यहां पर हमने रजिस्टर्ड पर्सन को दो ऑप्शन दिए आप दोनों ऑप्शन में से जिस मर्जी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उस मर्जी तरीके से कर लीजिएगा एक तो बिल्कुल नॉर्मल ऑप्शन होता है पेमेंट करने का जो आप लोग समझते हैं पहले से ही नॉर्मली कैसे की जाती है पेमेंट सर जितना भी हमने अप्रैल के मंथ की पेमेंट कर रहे हैं हम लोग जीएसटी की तो अप्रैल में जितनी भी हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी बनी होगी

जीएसटी की लाइबिलिटी जितनी भी बनी उसमें से आई जितना आपका अप्रैल के मंथ का बनता है उसको माइनस कीजिएगा और इतनी पेमेंट कर दीजिएगा ये तो नॉर्मल तरीका था या तो आप ऐसा ऑप्शन चूज कर लीजिए इसको नाम दिया गया सेल्फ असेसमेंट मेथड तो कोई घबराइएगा मत सर सेल्फ असेसमेंट क्या हो गया तो देर इज इट इज़ नॉट अ न्यू मेथड ये कोई नया मेथड नहीं है तो पहले से जब से जीएसटी तब से चला आ रहा है जितनी भी आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी बनती है माइनस आई क्लेम कीजिए और नेट अमाउंट आप पे कर दीजिए कैश लेजर के थ्रू तो इतना अमाउंट हम कैश लेजर के थ्रू पे कर देते हैं तो अगर हम ये ऑप्शन चूज करना चाहते हैं मंथली पेमेंट सब लोग समझ कर एक बार दोबारा से रिपीट करूं मिस्टर ए द पर्सन दिस पर्सन इज फॉलोइंग क्यू आर स्कीम तो लेट से मैंने कोई क्वार्टर पिक कर लिया अप्रैल मई और जून का लिखा हुआ स्कीम में एमपी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं यहां पर एमपी का मतलब है मंथली पेमेंट आपकी मंथली पेमेंट होनी है अप्रैल की पेमेंट नेक्स्ट मंथ होनी है पच्चीस तारीख तक पच्चीस तारीख आपको याद करना पड़ेगा मे की पेमेंट नेक्स्ट मंथ होनी है पच्चीस जून तक जून की पेमेंट सर पच्चीस जुलाई नहीं जून की पेमेंट पच्चीस जुलाई तक नहीं होनी जून की पेमेंट तो थ्री बी के साथ होनी है वो तो आप इसके साथ ही करिएगा सर बाद में कर सकते हैं क्या हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है थ्री बी आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फाइल करने के लिए जब तक आप पेमेंट पूरी नहीं कर देते तो जून की तो प्रॉब्लम नहीं है लास्ट मंथ की तो प्रॉब्लम नहीं है शुरू के दो महीने की प्रॉब्लम है कि कब पे प्रॉब्लम भी नहीं है सिर्फ समझ कि कब पेमेंट करें तो 25 मई और 25 जून को दूसरा क्वेश्चन आया कितनी हमें आपको दो दे एक तो नॉर्मल ऑप्शन था जो हम शुरू से ही समझते आ रहे थे पहले से ही ठीक है जब से जीएसटी बनाए जितना भी आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी है माइनस आई इतना पेमेंट कर दीजिए इसका नाम दिया गया सेल्फ असेसमेंट ये तो सेल्फ असेसमेंट मेथड हो गया ठीक है ये तो सेल्फ असेसमेंट मेथड हो गया दूसरा एक और बहुत आसान तरीका दे दिया गया बहुत ज्यादा आसान तरीका दे दिया गया इसको बोला गया फिक्स्ड सम मेथड दिस इज फिक्स सम मेथड ये और भी ज्यादा इजी है ठीक है यहां पर कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है ये ऑटोमेटिकली ना इसकी हमें चलान ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है कि अगर हम सेलेक्ट करते हैं फिक्स सम मेथड ऑटोमेटिकली चलान बन के आ जाता है और हमें सिंपल पेमेंट कर देनी चाहिए अब ये होता क्या ये कैसे बनता है प्रैक्टिकली फिक्स मेथड में क्या होता है यहां पर ये सम मेथड कैलकुलेट कैसे होता है ये देखता है कि आप किस वाले क्वार्टर से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं अप्रैल में जून मतलब अप्रैल के मंथ की आप पेमेंट कर रहे हैं अभी ये पूछता है कि आपका पुराना पीरियड कौन सा था जो आपने पुरानी रिटर्न फाइल करी थी इससे पहले की जब आपने लास्ट रिटर्न फाइल की होगी वो आपने किस बेसिस पे की थी मंथली थी या क्वार्टरली थी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं वी आर मेकिंग द पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और लेट से हमने चूज किया फिक्स सम मेथड हम लोगों ने चूज किया हम सेल्फ असेसमेंट चूज नहीं कर रहे वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा है ठीक है हमें पहले आउटवर्ड अपनी अप्रैल के मंथ का आउटवर्ड पूरा जीएसटी निकालना पड़ेगा माइनस आईटीसी अप्रैल के मंथ का कितना बना और जितना भी हमारे पास आईटीसी पड़ा होगा वो यूज करेंगे और इतनी पेमेंट कर देंगे यहां पर तो हमें खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट आप अपनी टैक्स की खुद ही असेसमेंट कीजिए यानी यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ठीक है सेल्फ असेसमेंट मेथड यू कैन फॉलो बट इन केस अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड नहीं करना चाहते हैं तो वी आर गिविंग यू अनदर ऑप्शन ऑफ पेमेंट हम दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको फिक्स सम मेथड यहां पर डिपार्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आप इतनी पेमेंट कर दीजिए किस बेसिस पर आपकी लास्ट रिटर्न के बेसिस पर बता रहे बताएगा कि जितना आपने लास्ट रिटर्न में अपनी पेमेंट करी है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे ठीक है अब क्या होगा ये अप्रैल की पेमेंट कर रहा है इससे पूछा जाएगा कि इससे पहले जब आपने रिटर्न फाइल की थी वो पहले भी बताइए कैसे की थी सर मंथली की थी या क्वार्टरली बेसिस की थी क्योंकि हो सकता है कि हमने क्यू आर एम पी स्कीम अभी ली हो अप्रैल ट्वेंटी वन से तो हो सकता है कि पहले की जो पेमेंट रिटर्न फाइल हो रही थी वो मंथली हो रही थी या फिर हो सकता है कि हमने इससे पहले का जो क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च का वहाँ पर ही हमने क्यू आर एम पी स्कीम ऑप्ट कर ली थी यानी कि हमने क्वार्टरली पेमेंट की थी तो यहां पर हमसे पूछा जाएगा कि आपकी जो लास्ट रिटर्न फाइल हुई थी वो मंथली हुई थी या क्वार्टरली हुई थी दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा लेट से मैं दोनों ही ऑप्शन ले ले रहा रहा हूं हूं पहले मैं क्वार्टरली लेट से आपने पेमेंट की थी लास्ट जो भी पीरियड था आपका जनवरी फेबर मार्च था मान लेते हैं और आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी थी अपनी तो डिपेंड करता है आपकी रिटर्न के ऊपर की आपकी कैसे फाइल हुई थी तो लेट से आंसर आया फिक्स मेथड में अगेन रिटर्न जो आपकी गई थी वो कैसे क्वार्टरली रिटर्न वो वो तो फाइल की थी उसमें आपने कितना अपना टैक्स शो किया था नेट टैक्स मतलब आईटीसी माइनस करने के बाद जितना आपने कैश में पेमेंट करा होगा कैश लेजर के थ्रू पेमेंट किया होगा सब लोग बात समझते हैं यानी कि मैं मान लेता हूं कि इनका जो लास्ट वाली रिटर्न थी वो जनवरी फेबर और मार्च की थी एंड इट वॉज क्वार जीएसटी थ्री भी अपनी फाइल की होगी वहां पर आपने कितना अपनी आउटवर्ड जीएसटी की लायबिलिटी बताई थी माइनस जितना आईटीसी लिया था उसको माइनस करने के बाद नेट पेमेंट जो आपने मैं इसकी बातें कर रहा हूं जो आपने कैश लेजर के थ्रू पे की होगी ठीक है जो आपने कैश में पे की होगी कैश लेजर के थ्रू पे की होगी ठीक है वो बता दीजिए हमें और प्लीज बताइए वो कितने पीरियड की होगी सर वो तो पूरे के पूरे तीन महीने की होगी क्योंकि हमारी जो थ्री भी गई थी वो क्वार्टरली गई थी वो तीन महीने की पेमेंट होगी अब बहुत सिंपल सी बात है ये जो पेमेंट आपकी कैश लेजर के थ्रू दोबारा से रिपीट कर रहा हूं यहां पर मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी तो सबसे पहले क्या देखना है हमारी आउटपुट लाइब्रेरी कितनी थी लास्ट क्वार्टर की लास्ट क्वार्टर का आईटीसी कितना था हमने कितनी पेमेंट कैश के थ्रू की थी कैश लेजर के थ्रू कितनी पेमेंट की थी अब बिकॉज इट वाज फॉर द होल क्वार्टर वो पूरे क्वार्टर की थी लॉजिकल है बिल्कुल यहां पर आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं सर अप्रैल की कर रहे हैं सिर्फ अप्रैल की तो प्लीज बताइए क्या हम इतनी आपसे बोल दें कि इतनी पेमेंट करिए या सर ये तो पूरा तीन महीने की थी हम तो एक महीने की चाहते हैं तो एक काम कर देते हैं वन थर्ड कर देते हैं तो इसका हम ड कर देते हैं तो वन थर्ड कितना थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 परसेंट आ जाएगा तो इतनी पेमेंट कर दीजिए तो थर्टी थ्री पॉइंट था बट लॉ ने बोला थर्टी फाइव ठीक है लॉ ने बोला थर्टी फाइव मतलब ऑलमोस्ट वन ही कर दिया तो इन्होंने कहा कि अगर आपने लास्ट जो आपका पीरियड था उसकी क्वार्टरली रिटर्न फाइल हुई थी तो जितना भी आपकी कैश में पेमेंट आपने की थी उसका थर्टी फाइव परसेंट कर दीजिएगा उसका थर्टी फाइव परसेंट कर दीजिएगा सब लोग समझ के थर्टी फाइव परसेंट मतलब ऑलमोस्ट वन थर्ड तो आप लोगों को थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री नहीं लेना वन थर्ड नहीं लेना यू हैव टू टेक थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट फिक्स कर दिया गया क्लियर हो गया आप सिंपल और ये यहां पर आपको कैसे करनी होगी डायरेक्टली अगर आप फिक्स मेथड चूज करते हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली पोर्टल देख लेगा कि आपकी लास्ट क्वार्टर की पेमेंट लास्ट जीएसटी रिटर्न कैसे गई थी क्वार्टरली गई थी या फिर मंथली गई थी वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दे देगा आपको कुछ करना ही नहीं है सिंपल सिंपल पेमेंट करनी है आपको वहां पर तो थर्टी फाइव परसेंट यहां पर करनी होगी बट इनकेस अगर आंसर ये आता जब हमसे पूछा जाता कि अच्छा अच्छा आप फिक्स मेथड ऑप्ट कर रहे हैं आपका जो लास्ट पीरियड था उसकी रिटर्न कैसे गई थी थ्री बी था उससे पहले आपने कैसे फाइल करी थी रिटर्न तो आंसर आ गया था क्वार्टरली करी थी तो क्वार्टरली में हम थर्टी फाइव परसेंट कर देंगे जितना भी कैश पेमेंट हुआ था जितना भी कैश लाइबिलिटी आई थी आपकी बट अगर आंसर आया कि सर हमने जो लास्ट पीरियड की रिटर्न थी वो मंथली रिटर्न फाइल हुई थी जो थ्री था लास्ट पीरियड का वो मंथली हुआ था ऐसा भी हो सकता था जैसे कि अप्रैल में जून का अभी हम कर रहे हैं इससे पहले सर क्यू आर एम पी स्कीम हमने अप्रैल से लिया था इससे पहले तो हम मंथली रिटर्न फाइल किया करते थे तो मंथली रिटर्न कौन सी होगी मार्च की होगी तो मार्च की जितनी रिटर्न थी ये तो एक महीने की आ रही है ना उसी के बेसिस पर आपका इस मंथ का जितना भी आपने मार्च में कैश पे किया होगा कैश समझ गए यही वाला आउटवर्ड जीएसटी माइनस आई टी सी जितना भी आपने कैश में पेमेंट की होगी उतनी मार्च की वो तो एक महीने की थी उसी के बेसिस पर आपकी अप्रैल की निकाल देंगे तो यहां पर मैं बोल सकता हूं जो भी आपकी लास्ट मंथ का कैश में पेमेंट की थी उतनी उसके बराबर मैं सिंपल लिख सकता हूं, 100%, 100%, अगर मंथली मतलब पिछले पिछले महीने का जो भी आपका कैश लाइबिलिटी बनी थी कैश लेजर के थ्रू आउटवर्ड टैक्स माइनस आईटीसी कैश लेजर के थ्रू जितना बना था उसका हंड्रेड परसेंट मतलब वो भी एक महीने का था ये भी एक महीने का तो उतना पे कर दीजिएगा क्लियर हो गया तो प्लीज आप लोगों को, को यहां पर अप्रैल के मंथ की पेमेंट क्वेश्चन ये था कि क्यू आर एम पी स्कीम में मंथली पेमेंट होती है तो वो कैसे होती है कब होती है तो शुरू के दो महीने की पेमेंट होती है अगले महीने की 25 तारीख तक यानी कि अप्रैल की पेमेंट होगी 25 मई तक मई की पेमेंट होगी ट्वेंटी फिफ्थ और जून तक ठीक है एक सिंपल एक चलान बन के आ जाता है पीएम टी जीरो सिक्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना बट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है तो उसके थ्रू आप पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं बट यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहेंगे अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो कैलकुलेट करके करना चाहूँगा एग्जेक्ट करना चाहूँगा कि मेरे अप्रैल के मंथ का कितनी मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी कितना अप्रैल में मेरे पास आईटीसी था अगर मैं वैसे करना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट इसको सेल्फ असेसमेंट बोलेंगे अगर आप इस तरीके से असेसमेंट नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक रेडीमेड हम लोग अमाउंट दे देते हैं उस तरीके से कर, कर पेमेंट कर दीजिए ठीक है लमसम पेमेंट कर दीजिए फिक्स सम मेथड तो फिक्स सम मेथड में कैसे करेंगे सर लास्ट पीरियड का देखेंगे कि लास्ट की रिटर्न कितनी फाइल हुई थी अगर वो क्वार्टरली फाइल हुई थी तो उसका हम वन थर्ड करके करेंगे तो वन थर्ड ना लेके थर्टी फाइव परसेंट लिया गया अगर सर लास्ट हमने पीरियड की रिटर्न मंथली फाइल की थी तो जितना उस मंथ का टैक्स था उतना आप पे कर दीजिए कैश में जितना आपने पे किया था मतलब हंड्रेड परसेंट आप पे कर दीजिए मे में कैसे होगा सर मे में भी पच्चीस जून तो आपको पेमेंट करनी अगले महीने की पच्चीस तारीख तक पूछा जाएगा कि कैसे पेमेंट करना चाहते हैं फिक्स या फिर चाहते हैं तो मे के मंथ की कितनी आपकी लाइब्रेरी बनती है माइनस जितना भी आपके पास आई होगा माइनस करके कर दीजिए दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट अगर आप फिक्स सम करना चाहते हैं, है, है. करना चाहते हैं, करना चाहते हैं? करना तो आपका पूछा जाएगा कि आपकी लास्ट जो भी रिटर्न थी जितने जो भी टैक्स पीरियड था आपका क्वार्टरली फाइल हुई थी या फिर मंथली फाइल हुई थी अगर वो क्वार्टरली फाइल हुई थी ठीक है क्वार्टरली फाइल की गई होगी तो फिर वही क्वार्टर आएगा जनवरी फेबररी मार्च क्योंकि लास्ट पीरियड तो यही होगा ना सर अप्रैल के लिए भी यही होगा मई के लिए भी होगा ऑब्वियसली क्योंकि हमने तो अप्रैल से ही क्वार्टरली करना शुरू कर दिया था और लास्ट पीरियड कौन सा होगा हमारा लास्ट पीरियड क्योंकि ये अप्रैल मई जून तो एक पीरियड है ना क्वार्टरली फाइल हो रही है तो इससे वाला पीरियड तो जनवरी फेबररी मार्च ही बनेगा तो इसका 35 परसेंट जो भी कैश अमाउंट था यानी कि जितना यहाँ पर पे हुआ था उतना ही बराबर यहाँ पर मे के के लिए 25 जून का भी पेमेंट आ जाएगा 35 परसेंट और अगर सर इससे पहले जो पीरियड था वहाँ पर मंथली होता था मतलब मार्च का होगा लास्ट पीरियड तो मंथली हुई थी तो जितनी मार्च में हुई थी उसके बराबर 100 आ जाएगा क्लियर हो गया इतनी बातें तो इस तरीके से पेमेंट करते हैं अच्छा सर फिर लास्ट में क्या होगा सर जून में क्या होगा जून में फिर हम आपका एग्जैक्ट निकालेंगे जून में हम आपका एग्जैक्ट निकालेंगे कि आपके पूरे क्वार्टर का अप्रैल मे जून का अप्रैल मे जून का टोटल आपका जीएसटी कितना बनता है टोटल आपका जीएसटी कितना बनता है माइनस पूरे क्वार्टर में टोटल आपके पास आईटीसी कितना है कितनी आपकी लाइब्रिलिटी बनी है कितनी भी आपकी लाइब्रिटी बनी है मह, तीनों तीनों महीने की निकालनी पड़ेगी तीनों निकालेंगे, पर, कि आपकी बनी है, और ऑलरेडी आप अप्रैल और मे के लिए तो पे कर चुके होंगे उसको माइनस करने के उसको थर्ड मंथ में जब आप जून का क्वार्टर एंड करेंगे जब आप अपनी जीएसटी थ्री भी फाइल कर रहे होंगे इस समय तो एक्चुअल बेसिस पर देखा जाएगा कि टोटल आपकी एक्चुअल इस क्वार्टर की कितनी लाइबिलिटी बनी है माइनस आईटीसी कितना है जितना भी आपको कैश में पे करना है उसमें से आप ये दोनों जो अमाउंट आपने पे कर चुके हैं ना अप्रैल और मे का वो रिड्यूस कर दीजिएगा और उसके बाद आपके जितने भी अमाउंट बनता है वो यहां पर थ्री बी के साथ पे कर दीजिएगा ठीक है इस तरीके से पेमेंट होती है इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा उसके बारे में देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं वट इज द प्रोसीजर फॉर डिपॉजिटिंग टेक्स अंडर क्यू स्कीम क्या प्रोसीजर होता है तो बहुत आसान प्रोसीजर होता है द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अंडर क्यू आर एम पी स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ और बोथ ऑफ द मंथ ऑफ द क्वार्टर बाय डिपॉजिंग द टैक्स ड्यू इन द फॉर्म ऑफ जी एस टी पी एम टी जीरो सिक्स इस तरीके से चालान के थ्रू आप पे कर दीजिएगा और कब तक पे करना है पच्चीस तारीख तक ऑफ द सक्सीडिंग मंथ मतलब फॉर uh, एग्जाम्पल अगर अप्रैल है तो अप्रैल के लिए पच्चीस मई मई है तो अब उसके लिए पच्चीस जून जून है तो पच्चीस जुलाई नहीं उसकी तो फिर थ्री बी के साथ ही पेमेंट हो जाएगी ठीक है फिर नेक्स्ट क्वार्टर शुरू होगा जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई की पेमेंट 25 अगस्त को अगस्त की पेमेंट 25 सितंबर को सितंबर की पेमेंट थ्री बी के साथ द सेट पर्सन कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शन फिक्स सम मेथड सेल्फ असेसमेंट मेथड सेल्फ असेसमेंट मेथड तो बहुत ज्यादा ईजी है यहां पे तो सिंपल आप कैलकुलेट की, कीजिए कि आपकी कितनी लाइबिलिटी बनती है आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर कितना आपके पास आई है माइनस करने के बाद वो पे कर दीजिए दैट अ सेल्फ असेसमेंट फिक्स सम मेथड में सब लोग समझ गए ना थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दू तो फिक्स सम मेथड में क्या होता है फिक्स सम मेथड में हम आपसे ये पूछते हैं कि आपका जो लास्ट पीरियड था वहां पर आपकी रिटर्न किस तरीके से फाइल हुई थी अगर वो क्वार्टरली फाइल हुई थी तो जितना भी आपका कैश कंपोनेंट था जितना भी आपने कैश लेजर के थ्रू पे किया था उसका थर्टी फाइव परसेंट तो अगर वो क्वार्टरली था तो हम थर्टी फाइव परसेंट बोल देंगे बट अगर वो मंथली था तो जितना आपकी लास्ट भी पीरियड था ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी लास्ट पीरियड था उसका हंड्रेड परसेंट आपका पेमेंट करनी पड़ेगी जितना भी कैश के थ्रू पे हुआ होगा ठीक है इंपॉर्टेंट बात है पर, एक इंपॉर्टेंट बात है पर। अब एक मैंने ये कहा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन तो तो में स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे वो क्या बोलेंगे सर सीधा सीधा जो भी हमारा लास्ट पीरियड था उसकी रिटर्न कैसे फाइल हुई है अगर क्वार्टरली फाइल हुई है तो थर्टी बोल देंगे वो सीधा सीधा मंथली हुई है तो हंड्रेड बोल देंगे बट प्लीज इमेजिन कीजिए कि यहां पर असेसी ने, प्लीज इमेजिन कीजिएगा दोबारा ठीक है यहां पर एक मिनट के लिए ठीक है क्योंकि मैं कुछ अलग बातें क्यू आर एम पी स्कीम ले ली क्वार्टरली ये लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे मंथली पेमेंट करेंगे बट लेट से अप्रैल के मंथ में इन्होंने कोई सप्लाई ही नहीं की अप्रैल के मंथ में ही सप्लाई ही नहीं की है लेट से अब हम लोग क्या जानते हैं सर इसकी पेमेंट 25 मई को होगी 25 मई के लिए लास्ट पीरियड देखा जाएगा क्वार्टरली या मंथली 35 फाइव परसेंट या हंड्रेड परसेंट बट प्लीज़ बताइए यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन ये बोलेगा सर अप्रैल में तो मेरी लाइबिलिटी ही जीरो आती है मेरी लाइबिलिटी ही जीरो है मुझे तो कुछ पे ही नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं की हैं अप्रैल के मंथ में तो भी क्या हम 35 परसेंट या 100 अगर लास्ट क्वार्टर की मंथली हुई थी तो उसका 100 परसेंट पे करना है फिर आंसर इज नो सम मेथड कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं की है अप्रैल के मंथ में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट उस केस में तो ये कुछ हमें पेमेंट ही नहीं करनी पड़ेगी सेल्फ असेसमेंट से तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा क्योंकि तो हमने आउटवर्ड सप्लाई नहीं की होगी बट फिक्स सम से भी हमें फिक्स हम वो 35 परसेंट क्वार्टरली के बेसिस पर या मंथली के बेसिस पर 100 परसेंट नहीं लेना है उस बेसिस पर भी यहां पर क्यू आर एम पी स्की में देखो कितनी ज्यादा एडवांटेज मिल रही है यहां पर टैक्स पेयर को उसको बोला जा रहा है कि हम लास्ट क्वार्टर या लास्ट मंथ के बेसिस पर लेते तो हैं बट अगर आपको लगता है कि आपकी लाइबिलिटी ही कुछ नहीं बनती तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू तो मेक एनी पेमेंट आप अपनी कोई पेमेंट मत कीजिएगा या फिर दूसरा केस अगर आपको लगता है कि मेरे पास आई टी सी ही इतना ज्यादा है कि मुझे कुछ पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है मुझे कुछ कैश में पे करना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज मेरे पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आई है तो भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं आएगी दिस इज इंपॉर्टेंट यहां पर यह बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर यह बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, है। देखिए क्या लिखा हुआ है

इस महीने की टैक्स टेक्सलाइबिलिटी आती ही नहीं है या फिर अगर आपके पास लगता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है अगर पहले से, आपने, पहले से ही आपने एडवांस में पेमेंट कर रखी है कैश लेजर में पैसे पड़े हुए हैं आपके पास या फिर क्रेडिट लेजर में आपके पास आई इतना सफिशियंट है कि आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो इस केसेस में आपको फिक्स मेथड में भी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट ओवर बोथ बोथ होवर पॉइंट्स वर इंपॉर्टेंट ठीक है समझ में आया चलिए अब मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेखना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो एक बार मैं क्वार्टरली वाला लेना चाहूंगा कि लास्ट पीरियड क्वार्टरली था एक बार मैं मंथली लेना चाहूंगा अमित आर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टेड स्कीम एंड फिक्स सम मेथड ऑफ पेमेंट फॉलो कर रहे हैं ठीक है, है? अंडरलाइन कर रहा हूँ फिक्स सम मेथड ऑफ पेमेंट हाईलाइट कर दिया मैंने ही फर्निशर रिटर्न क्वार्टरली बेसिस फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च इन्होंने अपनी रिटर्न जनवरी से मार्च की क्वार्टरली बेसिस पे की थी और एंड हैज़ पेड टैक्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च एज फॉलोज और इन्होंने थर्टी फर्स्ट मार्च का जो क्वार्टरली पेमेंट करी थी उस समय जब रिटर्न इन्होंने अपनी शो करी होगी तो उस समय क्या करा होगा सर मेरे पूरे क्वार्टर की ग्रॉस लाइविलिटी बनी है वन लाख टू लाख फिफ्टी टू फिफ्टी ये क्या चीज़ था आई जी एस टी की लाइविलिटी बनी होगी सी जी एस टी की बनी होगी एस जी एस टी की बनी होगी आई टी सी कितना है उसमें से अस्सी हज़ार वन सेवेंटी वन सेवनटी ठीक है सी जी एस एसजीएसटी का 170, 170. यानी कि कैश लेजर के थ्रू इन्होंने कितना पेमेंट करा होगा कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करा होगा वन लाख माइनस एटी थाउजेंड बीस हजार टू फिफ्टी समझ गए आउटवर्ड जीएसटी माइनस इनवर्ड जीएसटी मतलब आई नेट कैश के थ्रू पेमेंट किया होगा ट्वेंटी थाउजेंड एटी थाउजेंड और एटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड आई जी एस टी एटी और एट्टी सी जी एस टी और एस जी एस टी रिस्पेक्टिवली ठीक है तो अगर इन्होंने लास्ट

ठीक है और अप टू विच डेट हम लोग जानते हैं अप्रैल की पेमेंट इन इनको करनी है पच्चीस मे तक मे की पेमेंट इनको करनी है पच्चीस जून तक कितनी पेमेंट करनी है सर पच्चीस मई को जब पेमेंट करें तो आई भी पे करें सी भी पे करें एस जी भी पे करें कितना सर ट्वेंटी थाउजेंड का ट्वेंटी थाउजेंड का थर्टी फाइव परसेंट एटी थाउजेंड एटी थाउजेंड का थर्टी फाइव थर्टी फाइव परसेंट और मे के मंथ में भी यही आएगा ट्वेंटी थाउजेंड का थर्टी फाइव परसेंट एटी थाउजेंड एटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट रिस्पेक्टिवली ठीक है वट विल बी योर आंसर इफ यू डिड नॉट मेक एनी ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ एप्रिल एंड में अगर इन्होंने अप्रैल और मे के मंथ में ट्रांजेक्शन की होती तो फिर क्या फिर भी हम वो थर्टी फाइव परसेंट पेमेंट करते नहीं सर उस केसेस में हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती ये इंपॉर्टेंट बात है ठीक है तो कितना कितना पेमेंट करेंगे IGST टी ट्वेंटी थाउजेंड सी जी एस टी एटी थाउजेंड एटी थाउजेंड का थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव परसेंट अगर ये मंथली रिटर्न होती तो फिर पूरा करना पड़ता बीस हजार अस्सी हज़ार अस्सी हज़ार फिर पूरा करना पड़ता हंड्रेड परसेंट बट क्योंकि ये क्वार्टरली रिटर्न थी लास्ट वाली तो इसलिए थर्टी फाइव परसेंट करेंगे ठीक है और कब करिएगा अप्रैल का पच्चीस मई तक मई का पच्चीस जून तक इनकेस अगर कोई ट्रांजेक्शन इनकी नहीं होती तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी निल आती नॉट इवन थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट भी नहीं लेते उस केस में ठीक है सब लोग समझ के दो केसेस में हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे अगर हमारी लाइबिलिटी ऑलरेडी नल है हमने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं की है या फिर इनकेस हमारे पास सफिशियंट कैश लेजर में या फिर आई टी लेजर में सफिशियंट बैलेंस है और हमें कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो उस केसेस में हम लोग पैसे पे नहीं करेंगे दूसरा क्वेश्चन है मंथली वाला तो आई बिलीव ये मंथली वाला आप लोग कर सकते हैं ठीक है इन्होंने लास्ट मंथ का इन्होंने पेमेंट की थी अब ये नेट कैश पेड देखो यहाँ पर मैंने ना इंटेंशनली फिगर सेम ली है बीस हज़ार अस्सी हजार और अस्सी हजार बट यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि आपने लास्ट पीरियड की मंथली पेमेंट करी थी तो जितना आपने लास्ट पीरियड की करी थी उतना ही कैश बैलेंस के थ्रू तो बीस हजार भी करना पड़ेगा अस्सी हजार और अस्सी हज़ार पूरा पे करना पड़ेगा ठीक है तो मुझे लगता है ये आप पढ़ लेंगे आराम से फिफ्थ में ठीक है ऑलमोस्ट फिगर सेम है बट मैंने यहाँ पर आपका लास्ट पीरियड जो बोला है वो मंथली बोला है तो यहाँ पर भी फिक्स सम के थ्रू कर रहे हैं आप तो इसके बराबर कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने 100 परसेंट लिया हुआ है पूरा इतनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और अगर आपकी लाइबिलिटी ज़ीरो है लास्ट पीरियड की तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत सॉरी अप्रैल के मंथ की या मे के मंथ में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं की है लाइबिलिटी आपकी जीरो आ रही है या फिर आपका सफिशियंट बैलेंस है कैश लेजर में या आई लेजर में देन यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी पेमेंट ठीक है सबको समझ में आता है चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स वैसे तो मुझे लगता है कि क्यू आएम पी स्ीम में मैक्सिमम आपको इतना ही पूछा जाना चाहिए ये भी मैंने मतलब अच्छे से बता दिया है यहाँ पर बट अगर फॉर एग्जांपल एक लेवल अप आ गया पेपर ठीक है थो थो, थो, तो, थो थो, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन अगर पेपर आ गया जहां पर स्टूडेंट्स कहते हैं सर थोड़ा मुश्किल पेपर आ गया तो अगर वैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे इंटरेस्ट वगैरह के तो मैं उसकी बातें भी कर लेता हूँ तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में और सेवन में मैं इंटरेस्ट वगैरह के बारे में भी बातें कर लेता हूँ आपसे चलिए क्वेश्चन नंबर में डिस्कस करने से पहले ना आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे कि आपको और इजिली समझ में आ जाए ये ये अगेन आई एम टेकिंग मिस्टर ए फॉर स्कीम ऑप्ट कर रहे थे और फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मे और जून का क्वार्टर ले लेता हूँ मैं तो अप्रैल की पेमेंट इनको करनी है हैज़ टू मेक द पेमेंट ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे को इनको पेमेंट करनी है मे की पेमेंट ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून को करनी है ठीक है और जून की पेमेंट तो जीएसटी या थ्री बी के साथ कर देंगे यू अंडरस्टैंड दिस कितना पेमेंट करेंगे लेक्स, लेक्स से ये फिक्स सम मेथड यूज कर रहे हैं तो ही इज ऑप्टिंग फिक्स सम मेथड फिक्स सम मेथड ऑप्ट कर रहे हैं और इनसे पूछा जाएगा कि आपका जो लास्ट पीरियड था उसकी रिटर्न आपने कैसे फाइल की थी तो लेट से इन्होंने कहा कि मैंने सर वॉर्डली रिटर्न क्वार्टरली फाइल की थी लास्ट पीरियड की भी जनवरी फेबर मार्च की रिटर्न इन्होंने क्वार्टरली फाइल की थी पहले से ही क्यू आर एम पी ये ले चुके थे तो हम इनसे पूछेंगे कि आपने कितना जीएसटी कैश लेजर के थ्रू पे किया था उतन, उसका थर्टी फाइव परसेंट आपको पे करना पड़ेगा ठीक है प्रोवाइडेड इन्होंने अप्रिल मे वाले मंथ में ट्रांजेक्शन भी की थे इनकी लाइब्रिटी मिल नहीं आ रही ही हैज टू पे द अमाउंट अच्छा खासा इनकी सप्लाई हुई थी तो लेट से इन्होंने लास्ट कैश लेजर के थ्रू मैं कोई भी ले, ले लेता हूँ लेट से आई जी एस टी ले ले लेता हूँ ठीक है लेट से ही इंटरेस्ट रेट पेमेंट तो मैं आई जी एस टी ले ले लेता हूँ लेट से इन्होंने लास्ट क्वार्टर में कैश लेजर के थ्रू पे किया था वन लाख रुपीज ठीक है वन लाख रुपीज़ पे किया था आउटवर्ड टैक्स माइनस इनपुट आईटीसी के बाद वन लाख रुपीज़ आ रहा है नेट अमाउंट जो वन लाख रुपीज़ लास्ट क्वार्टर का पे हुआ था तो हम बोल देंगे ठीक है सर अप्रैल में आपने आई जी एस टी वन लाख रुपीज़ का कैश कैशलेजर के थ्रू पे किया था उसका थर्टी फाइव परसेंट आपको पे करना पड़ेगा गेटिंग दिस क्योंकि तो लास्ट क्वार्टर लास्ट वाली आ, रिटर्न क्वार्टरली फाइल हुई थी तो बिकॉज वन लाख का थर्टी फाइव परसेंट मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ ये अप्रैल के मंथ में पे कर देंगे और मे में भी सेम रहेगा थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज और जून में तो ये अपना टोटल देखते हैं कि मेरा टोटल टैक्स कितना बनता है और ऑलरेडी उसमें से थर्टी फाइव थर्टी फाइव माइनस कर देंगे बाकी का जितना भी अमाउंट है वो जून में पे कर देंगे ठीक है अब मान लेते हैं ऐसा हुआ अब समझिएगा अब यहाँ से वो मेरा पॉइंट शुरू होता है मान लेते हैं जब इन्होंने जून का टोटल इस क्वार्टर का जी एस टी या थ्री बी अपनी रिटर्न फाइल की तो वहाँ पर इन इनका जो टैक्स बना जो इनका कैश लाइबिलिटी आई जो इनका आउटवर्ड टैक्स था आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी थी माइनस आईटीसी करने के बाद माइनस करने के बाद टोटल आ गया सिक्स लाख ,00 रुपीस का इनका जीएसटी आया सिक्स लाख रुपीस का इनका जीएसटी आया सबसे पहले मुझे प्लीज बताइए जून में कितना पे करना है ठीक है जून में कितना पे करना है सर सिक्स लाख ,00 हमें टोटल पे करना था ऑलरेडी हम थर्टी फाइव थर्टी फाइव थाउजेंड पे कर चुके सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो फाइव पॉइंट थ्री लाख रुपीज और पे कर देंगे ये तो बात समझ में आती है लेट से जब इनका जून का अप्रैल मई और जून का मिलाकर टोटल सिक्स लाख रुपीज की जो नेट लाइबिलिटी आ रही है लेट से उसका अप्रैल से रिलेटेड अप्रैल मई और जून से रिलेटेड मैं मान लेता हूँ इक्वल ले लू चलिए इक्वल ले लेता हूँ मैं मैं मान लेता तो हूँ ये जो सिक्स लाख रुपीज है ना अप्रैल का से रिलेटेड टू लाख थे मे से रिलेटेड टू लाख थे और जून से रिलेटेड टू लाख थे इस तरीके से इनकी टोटल मान लेते हैं सेम सप्लाई थी सिमिलर सप्लाई थी हर मंथ की तो टू लाख टू लाख टू लाख की इनकी लाइबिलिटी आनी चाहिए थी देखिए अगर ये सेल्फ असेस करते अगर ये सेल्फ असेसमेंट मेथड लेते फिर तो ये टू लाख रुपए ही पे करते ये देखते कि मेरी अप्रैल की सप्लाई कितनी आई टी सी कितना है और टू लाख पे कर देते बट क्योंकि इन्होंने फिक्स सम मेथड यूज़ किया और फिक्स मेथड क्या कहता है वहाँ तो ऑटो पॉपुलेटेड हमारा जीएसटी ही हमें ऑटोमेटिकली ये अमाउंट निकाल के थर्टी दे था जीएसटी डिपार्टमेंट अब, अब इनसे ये कह सकता है कि सर आपकी अप्रैल की जो लाइबिलिटी बन रही थी वो टू लाख रुपीज ही बन रही थी बट सर हमने कैलकुलेट करके सिर्फ थर्टी फाइव थाउजेंड ही दिया और आपने ही करा आपको ज्यादा डिपॉजिट कराने चाहिए थे आपको इंटरेस्ट लगेगा इस बात का और मे में भी सेम अमाउंट रहेगा कि टू लाख आपको डिपॉजिट कराने चाहिए थे आपने सिर्फ थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज ही कराए थे तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ का मिस्टर ए बोलेगा देखिए सर मैंने हर चीज़ बिल्कुल ठीक की है मैंने तो थर्टी फाइव थाउजेंड अपने मन से तो नहीं किया ना आप ही के पोर्टल ने ठीक है गवर्नमेंट आप ही के पोर्टल ने ये मुझे थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ निकाल के दिया था बेस्ड ऑन माई अर्लियर रिटर्न उसके बेसिस पे मैंने थर्टी फाइव थाउजेंड निकाल के दिया था इसको मैंने अपना पच्चीस तारीख तक पे कर दिया था पच्चीस मई तक हमें पे करना था मैंने सर बिल्कुल जैसा लॉ ने कहा जैसे सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से समझा ठीक है लोगों से भी कंसल्टेशन ली तो मैंने पच्चीस मई को इतना पे कर दिया पच्चीस जून को मैंने जितना मुझे जीएसटी पोर्टल ने बताया मैंने उतना पे कर दिया जून में मैंने अपना टोटल कैलकुलेट किया टोटल मेरा सिक्स लाख की लाइबिलिटी आई जिसमें से मैंने थर्टी फाइव थर्टी फाइव में पे कर चुका हूँ और मैंने अपनी रिटर्न भी टाइम से फाइल कर दी मान लेते तो ट्वेंटी टू या ट्वेंटी फोर जो भी इनकी डेट थी सर मैंने अपनी जी एस टी थ्री भी ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई तक भी फाइल कर दी सर मैंने तो बिल्कुल सारे कंप्लायंसेस सही फॉलो किए थे और मैं तो खुद आपसे बोल रहा हूँ सर मेरे टोटल पूरे तीन महीने का आउटवर्ड जीएसटी माइनस आईटीसी करने के बाद सिक्स लाख आया है और मैं तो जेनुइनली फाइव पॉइंट थ्री लाख बाद में फाइव पॉइंट थ्री समझ गया ना थर्टी फाइव थर्टी फाइव माइनस करने के बाद मैं आपको पे कर रहा हूँ और इन्होंने चौबीस जुलाई को पे कर दिया सर मेरी तरफ से तो यहाँ पर मिस्टर बोलेंगे सर मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं है ना वो आपके ऑटोमेटिकली आपका थर्टी फाइव आया था तो इसमें मेरी क्या गलती है ठीक है अगर मैं सेल्फ आपने कहा था दो मेथड लेना सेल्फ असेसमेंट फिक्स मेथड मैंने फिक्स मेथड लिया तो यहां पर मिस्टर ए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अगर मिस्टर ए ने अपने सारे कंप्लायंसेस ठीक से फॉलो किए हैं इन्होंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया है पच्चीस मई को ही इन्होंने अपनी पेमेंट कर दी थी पच्चीस मई को उसके डिले भी नहीं किया ठीक है पच्चीस जून को मे से रिलेटेड पच्चीस जून को भी पेमेंट कर दी जितना फिक्स हमने बताया उतनी पेमेंट भी कर दी अपनी जून क्वार्टर एंड हुआ अपनी रिटर्न भी इन्होंने टाइम से फाइल कर दी टाइम से फाइल कर दी और जितना ऑब्वियसली जब रिटर्न फाइल होगी तो टैक्स भी जाएगा तो इन्होंने अपना टैक्स भी दे दिया पूरा का पूरा तो क्या उस बेसिस पर जीएसटी ऑफिसर हमसे यह बोल सकते हैं कि सर मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा द आंसर इज नो उस बेसिस पर नहीं बोल सकता जीएसटी ऑफिसर ठीक है तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बट मुझे लगता है कि अगर पेपर मुश्किल आया तो ये पूछा जाएगा अदरवाइज ये नहीं पूछा जाना चाहिए अभी तक तो जो क्वेश्चन नंबर फाइव तक मैंने कराए थे वो ठीक है आपके एग्जामिनेशन के लिए बट हाँ आपको ये भी बात समझ में अगर आ गई है तो बहुत आसान बात है ये तो इसको भी समझ लीजिए ठीक है तो ट्वेंटी जुलाई तक इन्होंने अगर अपना सारी चीज़ें अपनी रिटर्न वगैरह टाइम से फाइल की है अपना टैक्स जमा करा दिया है तो हम इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे आई एग्री अप्रैल का टू लाख रुपीज होना चाहिए था बट क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड आया थर्टी फाइव थाउजेंड तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा हाँ अगर आपने अपना पच्चीस मई के बाद पैसे पे किए होते या फिर अपनी रिटर्न लेट फाइल की होती आपने कंप्लाइंस ब्रेक करा होता तब हम आपसे इंटरेस्ट ले लेते तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर टिपिकल पेपर आया तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं मैं उसकी भी तैयारी करा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन में जरा देख लीजिएगा सबको समझ में आ गया ना ये इजी है बिल्कुल मिस्टर प्रशांत ऑफ स्कीम

थ विच इज थर्टी फाइव परसेंट दफ द लास्ट क्वार्टर ठीक है सिस्टम जनरेटेड अमाउंट आया तो थाउजेंट अमाउंट आया जो पे कर दिया ही ऑल्सो फाइल जीएसटी थ्री बी बाई ट्वेंटी जुलाई द्वार्टर ठीक है डेली के ट्वेंटी फोर्थ होता है स्टेट याद करने की जरूरत है बट यू शुड नो ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर तो इन्होंने अपने जीएसटी आर थ्री बी भी फाइल कर दी उस समय जो इनका टैक्स बना है जीएसटी का वो थ्री लाख रूपीज बना और इन्होंने उसको भी जमा करा दिया ठीक है ट्वेंटी फोर्थ को इन्होंने जमा करा दिया दुड बी ट्वेंटी यू नीड टू calculate हाउ मच ही इज रिक्वायर डू डिपॉजिट इन ट्वेंटी फोर जुलाई तो ट्वेंटी फोर जुलाई को कितना जमा कराएंगे सर थ्री लाख हमारा एक्चुअल बना उसमें से हम सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ ऑलरेडी जमा करा चुके हैं यानी कि सेवेंटी सेवेंटी वन फोटी डिपॉजिट हो चुके हैं तो वन सिक्सटी थाउजेंड वन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ हम और डिपॉजिट करा देंगे क्लियर हो गया ठीक है तो यहाँ पर कितना डिपॉजिट होगा अब अच्छा आगे लिखा हुआ है यू नीड टू कैलकुलेट हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ऑन ट्वेंटी फोर जुलाई आगे वन सिक्सटी हम करा देंगे थ्री लाख ,00 में से ऑलरेडी सेवेंटी जो सिस्टम जनरेटेड था हमने करा चुके थे एंड ऑल्सो हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट एप्लीकेबल इफ इज एक्चुअल टेक्स लाइव डी ऑफ थ्री लाख इज एस फॉलोज अब जो थ्री लाख बनाया ना इन्होंने एक्चुअल बताया कि अप्रैल का वो वन फिफ्टी बना था अब देखो हमने अप्रैल का वन फिफ्टी बना था बट हमने कितना डिपॉजिट कराया था सेवेंटी मे का वो वन ट्वेंटी बना था तो सेवेंटी थाउजेंड डिपॉजिट कराया था यानी कि शॉर्ट पेमेंट की थी तो क्या इसके चलते जीएसटी डिपार्टमेंट हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा देगा हम बोलेंगे नहीं सर हमने सारी चीजें अपनी ठीक से फॉलो की हैं जो सिस्टम जनरेटेड अमाउंट आया था हमने वो डिपॉजिट करा दिया था अपनी रिटर्न भी हमने टाइम से फाइल की थी तो सर आप हमारे ऊपर इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आई अंडरस्टैंड शॉर्ट पेमेंट हुई है बट उसमें यहां पर प्रशांत की कोई गलती नहीं थी यहां पर ठीक है ओके वेल फर्निशिंग इज रिटर्न ऑन ट्वेंटी सेकेंड

कोई इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन प्लीज इनके ऊपर मत लगाइएगा इनकी रिटर्न्स भी टाइम से फाइल हुई थी तो so there वुड बी नो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नेक्स्ट देखते हैं what will be your uh, what will be the amount of interest and late fees if the if in the question number six the GST or three B return is furnished on 30th July 2021 for the quarter ending April to June 2021 प्लीज मुझे बताइए अगर ये रिटर्न 30 जुलाई को फाइल की गई होती यानी कि यहाँ पे लेट होए रिटर्न रिटर्न कब फाइल होनी थी ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई को फाइल होनी थी और आप जाके इसको तीस जुलाई को फाइल करा रहे हो करा रहे हो कितने दिन लेट हो गई सिक्स डेज लेट हो गई है रिटर्न ठीक है लेट फीस कितनी लगती है आपको पता है लेट फीस होती है हंड्रेड रुपीज पर डे सी में हंड्रेड रुपीज सिमिलर एस में अमाउंट आ जाता है हंड्रेड मतलब दो सौ टोटल हो जाता है पर डे का तो सिक्स डेज का हो जाएगा सी में छह सौ और एस के छह सौ टोटल मिलाकर या फिर आई जी एस टी तो टोटल कर लीजिएगा दो तो बारह सौ रुपए की तो इनका लेट फीस जाने वाली है लेट फीस तो इनकी होने वाली है हंड्रेड रुपीज़ फॉर एवरी डे मैक्सीम पाँच हज़ार आपको पता है पाँच हज़ार सी जी एस टी का अमाउंट है और एस जी एस टी का मिला के पाँच हज़ार मतलब मैक्सम अमाउंट दस हज़ार होता है तो इनका सिक्स डेज की छः सौ रुपये का सी जी एस टी का इक्वल अमाउंट एस जी एस टी का आएगा टोटल लेट फीस आपकी बारह सौ आएगी ठीक है बारह सौ और फाइव थाउजेंड विच एवरेज लोअर नहीं बारह सौ सी जी एस टी और एस जी एस टी दोनों को मिलाकर होता है और यहाँ पर ये पाँच हज़ार है सिर्फ सी जी एस टी का एस जी एस टी का भी पाँच हज़ार अलग होता है यानी कि टोटल दस हज़ार हो जाता है ठीक है सब लोग समझ गए होंगे एक साइड से याद कर लीजिए एस में डबल कर दीजिएगा बस उसका तो लेट फीस तो इतनी जाएगी और साथ साथ में अब हम आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे इंटरेस्ट किस बात का है क्योंकि आपने अपनी तो रिटर्न लेट फाइल करी है कितने दिन फाइल करी है लेट छह दिन आपने रिटर्न लेट फाइल करी है तो हम आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे देखिए आपको तीन लाख रुपए देने थे ठीक है तीन लाख रुपए देने थे लास्ट क्वेश्चन हम में हमने देखा उसमें से हम आपके सेवेंटी सेवेंटी वन फोर्टी थाउजेंड रुपीज आ चुके हैं आपके पास वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज आ चुके हैं तो जो वन सिक्सटी थाउजेंड रुपीज आपके लेट आए होंगे उसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे तो छह दिन का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा वन लाख सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर आपको पता है सेक्शन फिफ्टी फाइव जीरो लगता है इसके ऊपर लेट परसेंट इंटरेस्ट का 18 परसेंट रेट रहेगा वन लाख 60,000 के ऊपर 18 परसेंट सिक्स डेज के लिए निकाल लीजिएगा सिक्स बाय थ्री टोटल आ रहा है 473. कुछ आएगा तो मैंने 473 लिया है ठीक है सो दिस इज अगेन अ पॉइंट फॉर इंटरेस्ट अगर आपको इंटरेस्ट लगेगा क्यों लगा यहाँ पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर्ड uh, पर्सन ने कंप्लाइंस नहीं किया था अपनी रिटर्न लेट फाइल की थी तो अगर रिटर्न लेट फाइल की है तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट भी लग जाएगा ठीक है तो सिक्स और सेवन क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल पर मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि पूछा जाना चाहिए बट अगर पूछ लें तो प्लीज ये दोनों कर लीजिएगा बहुत आसान बात है एक मिनट दो मिनट अब आपको लगेंगे मैंने समझा दिया है तो आपको ये भी क्वेश्चन कर पाएंगे आगे बढ़ जाए चलिए अब मेनली क्यू से ये क्लास मैंने इंटेंशली थोड़ी ज्यादा बड़ी कर दी है क्यू की वजह से क्योंकि वो समझाना आपको जरूरी था अब नॉर्मल बातें करेंगे ठीक है जो रिटर्न में दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे हो सकते हैं वो जैसे कि क्वेश्चन नंबर एट पूछा गया मिस अमृता इज अ अजिस्टर्ड इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इन हरियाणा ठीक है सप्लायर है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सप्टेंबर शी वॉज आउट ऑफ स्टेशन ऑन रिलीजियस विद हर फैमिली फॉर फिफ्टी फाइव डेज ऑगस्ट सेप्टेंबर में ये uh, अपना बिजनेस नहीं कर रहे थे शायद ये तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे दस नो बिजनेस ट्रांजेक्शन मंथ मिस अमृता इज ऑफ द ओपिनियन दैट

Uh, over her mobile phone which has been received in her premises and she intends to take आई on the same द अब देखिए क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि इन्होंने सप्लाई तो नहीं किए बट सिर्फ इन्होंने परचेजेस किए क्योंकि उसके ऊपर आई टी सी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर तो ये निल रिटर्न है भी नहीं वैसे तो आंसर कुछ चेंज नहीं होगा हमारा रिटर्न तो यहाँ पर भी फाइल करनी पड़ेगी यानी कि अगर कोई परचेज या सेल ना भी करे तो भी निल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कर ही ली है फिर तो रिटर्न फाइल करना हो ही जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रिटर्न तो यहाँ पर भी फाइल होगी एज्यूमिंग इन ए मिस अमृता डज नॉट हैव इंटरनेट फैसिलिटी इन हर मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है ठीक है आपने डेटा पैक नहीं लिया हुआ कोई बात नहीं है आप एस एम एस के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर दीजिएगा ठीक तो है तो सिंपल बातें हैं ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा ये फाइल आपको पता है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी यू कैन गो एन डाउनलोड द दिस फाइल आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन Mrs. Kelvin Enterprises, a registered supplier of designer wedding dresses under regular scheme, has aggregate turnover of 30 lakh in the preceding financial year. In ka last year, ka turnover 30 lakh rupees. Hai. It is of the uh, view that in the current financial year, it is permitted to file its monthly statement on, of outward supply, GSTL1, on a quarterly basis, while its accountant advises it to file the same on a monthly basis. You are required to advise Mr. Kelvin enterprise on the same. तो मिस्टर कैलविन का कहना है कि सर मेरा लास्ट ईयर का जो टर्न था वो थर्टी लाख रुपीज़ ही था तो क्या मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता हूँ हाँ जी कर सकते हैं क्यू आर एम पी में आ जाइए आप ठीक है क्यू आर एम पी में आ जाइए आप क्योंकि पाँच करोड़ तक आपका टर्न है नहीं पाँच करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो पाँच करोड़ तक ही आपका टर्न ओवर तो बिल्कुल है सर क्यू आर एम पी में आ जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड तो इनका अकाउंटेंट क्या सही कह रहा है कि इनको मंथली फाइल करनी पड़ेगी नहीं सर ऑप्शनल है आप क्यू आर एम पी में आ जाइए आप क्वार्टरली फाइल करिए

उटवर्ड सप्लाई मैडेट्रीड इन एक्सपीरियड क्या कहता है क्वेश्चन की जब आप जीएसटीआर वन फाइल करते हैं जीएसटी होता है एक स्टेटमेंट होती है सर आउटवर्ड सप्लाई की तो जिस किसी को भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की है जिस किसी को भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की है क्या आपको हर इनवाइस की डिटेल देनी पड़ती है आंसर इज नो जो आपकी बी टू बी सप्लाई है जो आपकी बी टू बी सप्लाई है उसकी तो डिटेल आपको देनी पड़ेगी उसकी तो डिटेल आपको देनी पड़ेगी बट जो आपकी बी टू सी सप्लाई है वो आप कंसोलिडेटेड लेवल पर दिखा सकते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पर दिखा दीजिए वहां पर आपको इन्वॉइस की हर इन्वॉयस का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है हर इन्वॉयस की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं बट जो बी टू बी है उसमें तो ऑब्वियसली डिटेल होगी क्योंकि सामने वाले को आई बुक करना है बट बी टू सी के लिए आपको हर इन्वॉयस की डिटेल देखने की जरूरत नहीं है आप कंसॉलीडेटेड लेवल पर दिखा दीजिए हाँ बट स्टेट वाइज अलग अलग रखिएगा ठीक है एग्जाम्पल आप यू आर बेस्ड इन डेली से आपने सप्लाई की है कर्नाटका में या फिर, फिर तमिलनाडु में किसी भी स्टेट में करी है तो आप स्टेट वाइज अलग अलग कर दीजिएगावल पर दिखा दीजिएगा हाँ बट अगर बी टू सी में भी अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन था अगर उसको आपने किया है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा का तो उसके इसमें उसको अलग दिखाना पड़ेगा तो ये बात आप लोग जानते हैं तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कराए तो आप एक साथ दिखा दीजिएगा इंटर स्टेट में भी आप अलग अलग दिखा दीजिए बट अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर को दिया है जिसको टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा का दे रहे हैं तो उसको फिर अलग दिखाना पड़ेगा आपको ठीक है दिस यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर इलेवन इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि एक बार आपको याद आ जाए हाँ ऐसा होता था

Uh, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा फिर आपकी रिटर्न इनवैलिड होगी आपकी रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाएगी उसका टैक्स पे होना चाहिए जब वो रिटर्न फाइल होती है ठीक है जब आप थ्री बी फाइल करेंगे तो उसका टैक्स भी उसी समय पे कीजिए उसके बाद पेमेंट कर, करेंगे तो वो इनवैलिड होती है बट मैं आपको बता दूं हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली वो लेगा ही नहीं आपका पोर्टल ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सप्लेन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न फाइनल रिटर्न कौन फर्निश करता है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या तो उसने खुद करा लिया हो कैंसिल या फिर उसका सूमोटो जी एस टी ऑफिसर ने उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया होता है तो थर्टी डेज के अंदर अंदर जब भी कैंसिलेशन हमारा होता है या फिर ऑर्डर आ जाता है उसके थर्टी डेज़ के अंदर अंदर हमें फाइनल रिटर्न फर्निश कर देनी चाहिए फाइनल रिटर्न फर्निश कर देनी चाहिए लेट फीस क्या है लेट फीस वही है हंड्रेड रुपीज़ पर डे ठीक है अंडर सी जी एस टी हंड्रेड रुपीज़ पर डे और एस जी एस टी का भी इक्वल अमाउंट ऐड कर लीजिएगा मतलब दो सौ रुपये टोटल हो जाता है हंड्रेड रुपीज़ पर डे मैक्सिमम सी जी एस टी में पांच हज़ार है सी जी एस टी के मैक्सिम पाँच हजार एस जी एस टी के पांच हज़ार मतलब टोटल मिला के दस हज़ार लेट फीस वही रहेगी इसकी ठीक है हाँ एनुअल रिटर्न का जो होता है एनुअल रिटर्न जो होती है उसका uh, कितनी लेट फीस होती है हंड्रेड रुपीज़ पर डे होती है बट सेकेंड वाला फाइव थाउजेंड नहीं होता है फाइव परसेंट फाइव थाउजेंड नहीं होता कितना होता है पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ द टर्न ओवर ठीक है पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ द टर्न ओवर वो आप याद कर लीजिएगा लेट फीस क्वेश्चन नंबर टीन वट आर द अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिपार्ट फ्रॉम फर्निशिंग इंपॉर्टेंट है कि आर द केसेस को समझिएगा व्हाट आर द केसेस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ जीएसटी आर वन लोग क्या कर रहे थे लोग ना काफी लोग क्या कर रहे थे मेनली ये कुछ गलत प्रैक्टिस ऑप्ट करते थे कुछ लोग वो अपना जीएसटी आर वन तो फाइल करते थे बट जीएसटी आर थ्री भी लोग फाइल नहीं कर रहे थे अपना ठीक है ये ऐसा लोग कर रहे थे जीएसटी आर थ्री जीएसटी आर वन तो फाइल करते थे थ्री भी फाइल नहीं करते थे क्यों इससे क्या होगा सर जीएसटी आर वन इसलिए फाइल करते थे क्योंकि ये आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट है जिससे कि जिससे इन्होंने जिसको इन्होंने सामान बेचा है वो अपना आई टी सी ले पाए उसको तो अपने आई से मतलब है ठीक है आई से मतलब है तो उसको तो ये आई दे दे देते थे अपनी जीएसटी आर वन फाइल करके बट थ्री बी में क्या होती है थ्री बी में होती है टैक्स की पेमेंट यहां पे जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो आप साथ साथ में आपको पेमेंट करनी पड़ती है तो लोग क्या कर रहे थे सामने वाले को आई दे रहे थे ठीक है बट अपनी पेमेंट नहीं कर रहे थे इससे जनरली क्या फेक इन्वॉइज वाली पॉलिसीज आ रही थी लोग गलत पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे थे फेक इशू करते थे सामने वाले को आईटीसी मिल जाता था जीएसटी आर वन फाइल करके और थ्री बी फाइल नहीं करते थे तो अब यहां पर लॉ में अमेंडमेंट आ गई उन्होंने बोला कि हम आपकी जीएसटी आर फाइल नहीं होने देंगे जब तक आप अपनी थ्री बी फाइल नहीं करेंगे जब तक आप अपनी थ्री बी फाइल नहीं करेंगे तो मेनली किसके लिए बोला गया कि अगर आप नॉर्मल प्रोविजंस लेते हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी आ गई है और जो क्यू आर एम पी आए आएगा उन, उनके लिए पॉलिसी आ गई है नॉर्मल प्रोविजन जो क्यू आर एम पी ऑप्ट नहीं करते उनके लिए बोला गया कि अगर आपकी लास्ट टू जी एस टी आर थ्री बी ठीक है लास्ट टू जीएसटी आर थ्री बी फाइल नहीं हुई है तो आप अगली जीएसटी आर वन फाइल नहीं कर सकते उनके लिए देखा जाता है कि पिछली दो अगर फाइल नहीं है पिछली एक फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं वन कर पाएंगे पर अगर पिछली दो फाइल नहीं है ठीक है लास्ट टू जी एस टी आर थ्री भी फाइल नहीं है तो आप जीएसटी आर वन भी फाइल नहीं कर सकते ठीक है लोग क्या कर रहे थे पेमेंट करते नहीं थे सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई दिखाते थे तो इनको बोला गया कि पिछली दो अगर आपकी फाइल नहीं है ठीक है दोनों फाइल नहीं है तो आप जीएसटी आर वन फाइल नहीं कर सकते लास्ट एक फाइल नहीं है कर पाएंगे ठीक है नॉर्मल वाले लोग कर पाएंगे बट क्यू आर एम पी के लिए बिल्कुल नहीं बोला गया क्यू आर एम पी के लिए बोला गया जो भी आपका लास्ट पीरियड है उसकी आपकी जीएसटी आर थ्री बी फाइल होनी चाहिए जीएसटी जीएसटी आर थ्री भी फाइल होनी चाहिए मतलब आपके लास्ट पीरियड का पेमेंट हो जाना चाहिए तभी आप आगे की आउटवर्ड सप्लाई करेंगे तो इन लोगों के लिए तो रिलैक्सेशन है इनके लिए दो रिटर्न बोला गया कि अगर आपकी पिछली दो रिटर्न फाइल नहीं है थ्री बी तब आपको जाकर जीएसटी आर वन पर हम रोक लगा देंगे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे डी बार कर देंगे आपको ठीक है सर अगर मेरी एक फाइल नहीं है लास्ट की सिर्फ लास्ट की नहीं है फिर तो हम बोल देंगे ठीक है आप अलाउड है बट क्यू आर एम पी वालों को बोला गया इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट की अगर पीरियड की भी रिटर्न फाइल नहीं है ना आपकी थ्री भी तो हम आपको डी बार कर देंगे इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है इनके लिए टोटल दो रिलैक्सेशन है तो इनके लिए सिर्फ लास्ट वाली फाइल हो जानी चाहिए तभी आपको आगे का जी एस टी आर वन हम अपलोड करने देंगे और जो लोग आते हैं मैंने आपको बताया था जब मैं आई का चैप्टर बता रहा बता रहा था एट रूल एटी सिक्स बी एटी सिक्स बी जिनका मंथली अगर आपका एग्रीगेट फेक्सीबल सप्लाई फिफ्टी लाख रुपीज़ से ज़्यादा की है जहाँ पर आपको अपना नाइन्टी नाइन परसेंट यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट लेजर और आपको वन परसेंट आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा याद आ गया मैंने आपको लास्ट राउंड रिविजन में भी रूल एटी बी के बारे में बताया था इन लोगों के लिए भी बोला गया इन लोगों के लिए भी पिछली दो रिटर्न नहीं देखी जाएगी थ्री बी इनके लिए भी एक है कि आपकी लास्ट वाली रिटर्न फाइल हो गई हो तभी हम आपको फाइल करने देंगे अपनी जी एस सबको समझ में आ गया तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी है कि किस किस को रोका गया है जी एस फाइल करने के लिए क्योंकि लोग क्या करते थे अपनी आउटवर्ड सप्लाई दे दिखाते थे जिससे सामने वाले को आई टी मिल जाता था पेमेंट नहीं कर रहे थे अपनी थ्री बी उनकी इकट्ठी हो रही थी ठीक है काफ़ी सारी थ्री बी इकट्ठी हो रही थी पेमेंट नहीं कर, कर रहे थे अपना तो बोला गया जो नॉर्मल लोग हैं जो क्यू में नहीं आते अगर आपकी पिछली दो जीएसटी आर थ्री बी फाइल नहीं है तो हम आपको डी बार कर देंगे क्यू आर एम पी वालों के लोगों के लिए और जो लोग एटी सिक्स बी जिनके ऊपर अप्लाई होता है वो नाइनटी नाइन परसेंट वन परसेंट वाली बात है इन लोगों के लिए बोला गया कि आपकी लास्ट रिटर्न जीएसटी आर थ्री बी अगर फाइल नहीं है तो आप आगे की जीएसटी आर वन बी फाइल नहीं कर सकते ठीक है थ्री बी क्या होता है पेमेंट करने का तो यानी कि पेमेंट पहले कीजिए लास्ट वाला तभी आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाइएगा तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है वट आर द केस अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा

डी बार कर देंगे वन फाइल करने पर मतलब ये कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो नॉर्मल स्कीम में आते हैं क्यू आर एम पी स्कीम में नहीं आते देखो तभी तो यहाँ पर मैंने आई एफ एफ नहीं लिखा सेकंड में मैंने, मैंने लिखा रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यू आर एम पी जो लोग क्यू आर एम पी ऑप्ट करते हैं शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जी एस टी आर वन इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन जी एस टी आर थ्री बी फॉर द प्रीसीडिंग प्रोसीडिंग पीरियड अगर आपने लास्ट वाली भी टाइम से फाइल नहीं करी है थ्री बी ठीक है वो अगर अभी तक फाइल नहीं हुई है तो आप डी बार हो जाएंगे ठीक है चाहिए जीएसटीआर वन आपको फाइल करनी है आई एफ एफ फाइल करनी है दोनों में से कोई भी एक आपको फाइल करनी है तो आपकी लास्ट वाला पहले क्लियर कीजिए तभी आप आके आउटवर्ड सप्लाई दिखाइए और यहां पर भी ये लिखा हुआ है जो रूल 86 बी में आते थे लोग 99 नाइन परसेंट वन परसेंट वाली जो बातें होती थी कि अपनी लास्ट रिटर्न पहले अपनी फर्निश कीजिए फिर आप आगे जीएसटी आर कीजिए तो दिस अगेन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको एक बार देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अट टेक्सपीयर कै नॉट फाइल जी एस टी आर वन बिफोर द एंड ऑफ द करंट एक्सपीरियड हाँ जी बिल्कुल सही बात है वैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको जी एस टी आर वन फाइल करनी है चाहे आप क्यू आर एम पी में आते हैं नॉर्मल स्कीम में भी आते हैं तो जब वो पीरियड खत्म हो जाता है उसी के बाद ही तो आप फाइल करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मंथली पेमेंट मंथली वाले स्कीम में आते हैं मान लेते हैं तो लेट से ये अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन है तो जब अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन पूरा खत्म हो जाएगा फर्स्ट अप्रैल से लेकर अप्रैल जब पूरा खत्म हो जाएगा इसकी जितनी भी आपको आउटवर्ड सप्लाई दिखानी है फिर अगले महीने की दस तारीख तक जो एक दिन मिलात बढ़ाई देगा ग्यारह तारीख तक नेक्स्ट की ग्यारह तारीख तक या फिर अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में आते हैं अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में आते हैं तो आपको फिर अप्रैल बता देता हूं मिस्टर ए हैं ये क्यू आर एम पी स्कीम में आते हैं और मान लेते हैं कि मिस्टर बी हैं और ये क्यू आर एम पी स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं नॉर्मल स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए ये लोग अपनी जीएसटी आर वन कब फाइल करते होंगे जीएसटी आर वन कब फाइल करते होंगे सर ए मिस्टर ए मान लेते हैं इनके लिए क्वार्टर में ले लेता हूं अप्रैल मे जून का यानी कि ये पूरा टैक्स पीरियड जब खत्म हो जाएगा अप्रैल मे जून जब ओवर हो जाएगा इसके बाद जाकर थर्टीथ ऑफ जुलाई को अपनी जीएसटी आर फाइल करेंगे यानी कि इस पूरे टैक्स पीरियड के बाद अप्रैल में जून के बाद आई की बातें नहीं कर रहा हूं मैं जीएसटी आर की, तो की बातें कर रहा हूं तो मैं जीएसटी आर वन की बातें कर रहा हूँ ये पीरियड पूरा खत्म हो जाएगा तब जाकर अपनी ये रिटर्न फाइल की होगी और मान लेते हैं मिस्टर बी नॉर्मल स्कीम में आते हैं तो लेट्स से अप्रैल के मंथ की ये जब अप्रैल पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर ये मई में जाकर इलेवेंथ ऑफ मे को जाकर अपनी जीएसटी आर वन फाइल करेंगे क्वेश्चन ये है कि क्या कभी कभी क्या ये हमेशा हर सिनारियों में यही चलेगा कि जब पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी है यह ड्यूरिंग द पीरियड भी कर सकते हैं जनरली नहीं ड्यूरिंग द पीरियड नहीं कर सकते आप जब ये पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद आप इसकी रिटर्न फाइल करिएगा बट इसकी एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कोई कैंसिल करा देता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मे के मंथ में ही अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देता है तो क्या वो जून के एंड होने का इंतजार करेगा फिर या उसको यहां पर ही अपनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी द आंसर इज उसको फिर यहां पर ही करनी पड़ेगी फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल में आता है और अप्रैल के बीच में ही उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या वो खुद करा लेता है तो उस केस में तो अपनी रिटर्न वो वो फिर वो यहीं पर फाइल कर सकता है या फिर अगर कोई कैजुअल टैक्सीबल पर्सन है उसने अपना बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड ही बंद कर दिया ड्यूरिंग द पीरियड ही अगर बंद कर दिया तो उस केस में भी वो रिटर्न फाइल कर सकता है तो जनरली हम लोग जानते हैं जब ये पीरियड खत्म हो जाता है तब रिटर्न फाइल होती है बट कुछ केसेस में पहले भी फाइल हो सकती है तो यही क्वेश्चन था कि क्या अ टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटी आर वन बिफोर द एंड ऑफ द करंट एक्सपीरियड जनरली नहीं कर सकता बट कुछ केसेज में एक्सेप्शन भी हैं तो ये अ कैन नॉट फाइल जीएसटी आर वन बिफोर द एंड ऑफ द करंट एक्सपीरियड जनरल आंसर तो ये है येस yes, हाँ जी करंट पीरियड जब खत्म हो जाएगा तभी आप अपनी जीएसटी आर वन फाइल कीजिए बट कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं जैसे कैजुअल टेक्सीबल पर्सन है वो अपना बिजनेस क्लोज कर देता है पहले ही या फिर अगर किसी भी नॉर्मल टैक्स पेयर का जीएसटी एन कैंसिल हो जाता है तो उस केसेज में वो कर सकता है ठीक है लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए क्वेश्चन नंबर 15 ये जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में आई बिलीव ये तो सबको अच्छे से आता होगा एवरग्रीन क्वेश्चन है तो जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन कौन बन सकता है एक नॉर्मल कंडीशन सबके लिए यही है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए पर्सन ऑफ साउड माउंड होने चाहिए बैंक ना हो इंसॉलमेंट ना हो कोई भी केस में आप दोषी ना पाए गए हों ये तो नॉर्मल कंडीशन हैं और कुछ एजुकेशनल कंडीशन क्या हैं कि आपने फाइनल एग्जामिनेशन पास किया हो सी ए सी का तब आप बन सकते हैं या फिर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो आप डिसिप्लिन में कॉमर्स में तब आप बन सकते हैं या फिर आप पहले से दूसरे लॉ में प्रैक्टिस करते थे जैसे कि पहले था सेल्स टैक्स जीएसटी से पहले पहले वैट था या फिर एक्साइज था वहां पर आप मिनिमम पाँच साल से प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप बन सकते हैं या फिर आप गस्टेड ऑफिसर थे कुछ डिपार्टमेंट्स में ठीक है एक्साइज में या फिर रेवेन्यू uh, डिपार्टमेंट में ठीक है गजटेड ऑफिसर थे और मिनिमम आपने वहाँ पर दो साल काम किया हो तो तो ये बाते तो I believe ये बातें आई बिलीव सब लोग समझते हैं आप लोग ये पढ़ लीजिएगा तो उस केसेस में आपकी जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं तो आई बिलीव आपको ये रिवीजन अच्छे से हो गया होगा रिटर्न्स अंडर जीएसटी का स्पेसिफिकली शुरू के सेवन क्वेश्चन इनफैक्ट मैं कहूंगा शुरू के फाइव क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के आते रहते हैं रिटर्न के बारे में क्वेश्चन तो बट उसको आप जानते होंगे बट क्यू आर एम बी स्कीम समथिंग विच यू हैव टू कंसिडर कि हाँ वो आ सकता है ठीक है सब कुछ कर लीजिएगा वैसे बहुत जल्दी कर लीजिएगा मेनली मैंने क्यू में ज़्यादा टाइम लगाया है इसमें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट